स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सो आज बेसिकली आज से हम एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इन पाइथन। सो नमाय बेसिकली लाइब्रेरी है जिससे बेसिकली आप साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर सकते हो। साइंटिफिक कंप्यूटेशन का मतलब है किसी भी तरह की न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, जिस तरह आप कोई भी न्यूमेरिकल कंपटीशन, ठीक है, जो जितनी भी आप न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कंपटीशन सोच सकते हो, ठीक है, बियॉन्ड ऑफ योर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसके अलावा भी जितनी भी आप कैलकुलेशन, जो आप इक्वेशंस की कैलकुलेशंस होती हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली आप जब पाइथन के अंदर होते हो, कोर पाइथन के अंदर होते हो, तो वहाँ पे आपके अंदर आपके पास लिस्ट होती है, बट उसमें आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो बट यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ नंपाई। ओके, सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आप बेसिकली जब आप इक्वेशंस के अंदर जाओगे, जब हम मशीन लर्निंग के अंदर एंटर करेंगे, तो आप इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस देखोगे, लाइक वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, द वेरी बेसिक इक्वेशन। सो ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे भी कैलकुलेशंस करने के लिए, ई के पावर को भी कैलकुलेट करने के लिए, एंड ई के पावर के अंदर बेसिकली आपकी एक एरे होगी, एक मैट्रिक्स होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली नंपाई हेल्प करता है। ओके, सो नंपाई आपकी कोर लाइब्रेरी कोर कोर के अंदर नहीं है, सो आपको सिंपली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ पैकेज, इट्स अ लाइब्रेरी, सो इंपोर्ट नंपाई। एंड सिंपली जब आप इम्पोर्ट नंपाई लिखोगे तो आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट। ओके, बट आप बेसिकली हर जगह मैं नंपाई डॉट करके नहीं लिख सकता, ठीक है। सो इसलिए मैं इसको एक एलियास नेम के थ्रू इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी। ओके, यू कैन गिव वॉट एवर यू वॉन्ट ओवर ईयर, बट ये एन पी जो है ये बेसिकली नंपाई के लिए हर जगह यही यूज होता है। सो आई विल टेक दिस import numpy as np। अब देखो this is your list, ठीक है, हमें पता है ये list है, and there is no concept of array in core python, ठीक है, array का कोई concept नहीं है core python के अंदर, आप अभी तक कहीं भी नहीं देखे हो array, और core python के अंदर होती भी नहीं है, ठीक है, but with the help of numpy you can but in numpy definitely there is a concept of an array। okay, so इस तरह की आपकी कोई चीज है, इस तरीके से जब आप कोई चीज basically लिखते हो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो आपकी लिस्ट होती है, ये चीज आप जानते हो, ठीक है। ओके, बट जैसे ही इसको आप इस तरीके से लिख देते हो एनपी डॉट एरे इक्वल्स टू एन ए। ओके, सो अब आप अगर इसकी टाइप चेक करोगे, सो दिस इज योर एरे। ओके, सो यू कैन सी दैट दिस इज नंपाई डॉट एनडी एरे। एनडी का मतलब एन डायमेंशनल एरे। ओके, सो जब तक आप इसकी डायमेंशन नहीं दे रहे हो, सो एन डायमेंशन मतलब जितनी भी डायमेंशन की एरे है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। अब बेसिकली आप इससे एरे क्रिएट कर सकते हो, किसी भी तरीके की एरे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली इस तरीके से एरे क्रिएट कर सकते हो एन पी डॉट एरे, एंड इसके अंदर आपको लिस्ट देनी है, ठीक है, आपको बेसिकली लिस्ट पास करानी है। सो सपोज 2 3 5, एंड मैं एक और लिस्ट बना रहा हूँ, दैट इज 8 9 10। सो आई थिंक दिस इज यस। सो ये देखो इस तरीके से आप एरे, अब इसके आगे आप चाहो जितने चाहो उतने एरे बना सकते हो, तो आप इसको देख सकते हो। ये चीजें आपने पहले भी देखी होंगी, ठीक है, इसको आप मैट्रिक्स ले सकते हो, ठीक है, रो इसके रोस एंड कॉलम्स होते हैं। ओके, बेसिकली इसके आपको जब इसमें देखने जाओगे या इसमें आपको कोई इंडेक्सिंग करनी है, तो आप इसके रोज एंड कॉलम के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो अब आपको पता है दिस इज माय रो, ठीक है, सो 0 1, एंड अगर मैं इधर कैलकुलेट इधर मैं इंडेक्सिंग करूँ, सो 0 1 2। अब आपको पता है कि अगर मुझे केवल सपोज केवल मुझे 2 को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो इसको आप पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, एंड यू कैन सी वी। अब आपको अगर v के अंदर से केवल 2 निकालना है, सो आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपको 2 की इंडेक्स वैल्यू देखनी होगी, तो आपकी 2 की इंडेक्स वैल्यू क्या है। अगर आपको बेसिकली रोस एंड कॉलम देने होते हैं, ठीक है, जब आपको एरे के अंदर से कोई चीज निकालनी है, तो आपको रोस एंड कॉलम देने पड़ेंगे। ओके, सो
ये बेसिकली आपके जीरो इंडेक्स जीरो रो पे है एंड इसकी जो कॉलम की वैल्यू है वो भी जीरो है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक है आप यहाँ पे टू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस तरीके से कुछ भी, ठीक है इस तरीके से जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना हो। इफ आप 01 लिखते हो सो 3025 देन 108 देन 129 देन 1310 ओके। सो इस तरीके से आप इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हो ओके। अगेन आप पाई के अंदर इस लाइब्रेरी के अंदर आप बेसिकली चेक कर सकते हो कि आपके आपकी जो एरे है उसकी शेप क्या है। सो इट इज अगेन it is 2 cross 3 matrix okay it's a dimension if shape is 2 cross 3 okay so is tarike se aap check kar sakte ho ki iski basically shape kya hai theek hai। ab ek cheez hoti hai aap dimension theek hai jo main dimension ki baat kar raha tha ki kitne dimensions hai theek hai। so suppose aapke paas koi array hai np dot array aur yahan pe aapne ek array apni define kar di okay yahan pe aapne kuch 3 6 8 12 इस तरीके से आपने एक एक एरे बना दी एंड यहाँ पे आपके पास होती है डी एम आई एन आई थिंक यस यस डी एम आई एन ओके सर। सो बाय डिफॉल्ट ये जीरो होती है ठीक है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये जीरो लिखी हुई होती है बट यू कैन चेक एंड यू कैन बेसिकली इंक्रीज योर डायमेंशन ओके। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप इसकी डायमेंशन ओके एक बार पहले हम डायमेंशन चेक करते हैं ठीक है एक बार हम पहले डायमेंशन चेक करते हैं। सो सपोज आपने ये एरे बना ली अगर आप इसको किसी के अंदर स्टोर करा देते हो सो आई थिंक इट विल बी गुड एंड ए ए डॉट डी एम आई एन सो कुछ और का गया एन एन पहले एन होगा ठीक है। सो मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो आई कैन चेक ओके। सो ये बेसिकली शायद ये चीज यहाँ पे नहीं ले रहा है सो मैं यहाँ पे देखता हूँ ओके एंड डी कुछ टू जीरो सो आई कैन चेक ए ओके। सो यहाँ करते हैं पहले इसको इस तरीके से चेक करते हैं सो इस तरीके से आ रही है। अब बेसिकली यहाँ पे आपकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे आपने बेसिकली यहाँ पे आपके डायमेंशन जीरो है अगर आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो कि इंक्रीज करके ये बेसिकली कैसा दिखेगा ठीक है। तो आपके ये लिस्ट के जो आपके ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे ठीक है यू कैन चेक दे ठीक है। आपने 20 लगा दिया तो 20 स्क्वायर ब्रैकेट्स इधर से और 20 स्क्वायर ब्रैकेट्स इधर से इंक्लूड हो जाएंगी इसके अंदर ठीक है। सो दिस इज वन फंक्शन एंड एंड डायमेंशनल आप चेक एंड डायमेंशनल आपकी मिस डायमेंशन बढ़ाने के लिए ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आपके नहीं काम आती है ठीक है। आपके कभी मशीन लर्निंग के अंदर भी ये चीज़ देखोगे कि मैं इस तरह की कोई चीज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली आपके कंप्यूटर विजन में काम आती है ठीक है। सो कंप्यूटर विजन में हमें बेसिकली अपनी इमेजेस को अपनी इमेजेस के अलग अलग डायमेंशंस देखने होते हैं ओके। जस्ट लाइक सपोज मैं अभी मान लो किसी मल्टी क्लासिफिकेशन मल्टी इमेज क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ एंड सपोज अगर मुझे अपने फैमिली की क्लासिफिकेशन करनी है फैमिली का ही क्लासिफिकेशन करना है ठीक है फैमिली मेंबर्स का ही एंड तो हो सकता है मेरे पास उनकी इमेजेस हैं बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस हैं ठीक है जिसमें कुछ चीज़ें हैं ठीक है मीन्स कोई टेबल पे बैठा हुआ है सो कुछ बैकग्राउंड्स में बहुत सारी नॉइस है ओके। मीन्स आप ऐसे सपोज कर सकते हो बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइस है बट मेरे पास पासपोर्ट साइज जिसमें नॉइस कम है बैकग्राउंड में वैसी मेरे पास केवल सपोज एक एक या दो दो फोटोज हैं ओके। बट जब आप मशीन लर्निंग में जाते हो या फिर आप डीप लर्निंग जाते हो सो आपको बेसिकली डेटा अधिक ज्यादा रहता है ठीक है। आपको डेटा ज़्यादा चाहिए ठीक है कैलकुलेशन करने के लिए आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको डेटा अधिक चाहिए। सो आपको क्या करना होता है आपको उसी तरीके की बहुत सारी इमेजेस क्रिएट करनी है ठीक है। सो आपके पास लाइब्रेरी होती है कंप्यूटर विजन ओपन सीवी एंड उसके अंदर आपको कुछ नमपाई से इस तरीके काम करना होता है जो आपकी डेटा की जो आपके एक इमेज को बेसिकली आप एक तरह की 100 इमेजेस खुद से क्रिएट कर सकते हो ठीक है। यू डिड यू यू आर नॉट सपोज टू टेक द हेल्प फ्रॉम गूगल ओके यू कैन क्रिएट इट बाय योरसेल्फ ओके जस्ट बाय राइटिंग 2-3 लाइंस ऑफ कोड ओके। सो हम देखेंगे ये सारी चीज़ें देखेंगे हम कंप्यूटर विजन की तरह बट ओके आपको एक इंट्यूशन मिलना चाहिए कि नमपाई से बेसिकली आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो वो इम्पोर्टेंस क्या क्या रखती है ठीक है ओके। सो नमपाई बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी इन पाइथन
for your machine learning, for your data science. Okay, so suppose यहाँ पे एक मैंने list create कर ली, and इसके अंदर एक चीज होती है, that is D type. Okay, so D type means data type. आप इसका data type बेसिकली चेंज कर सकते हो, आप इसका डेटा टाइप बेसिकली चेंज कर सकते हो. सो आपके पास अभी जो डेटा टाइप है वो बेसिकली इंटीजर है, एंड सपोज आप इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है. सो आपने देखा था कि आपके पास कॉम्प्लेक्स भी चीज होती है, ठीक है. आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है. सो अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हो, सो यू कैन बेसिकली डू इट, बिकॉज आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ है नहीं, तो ये बेसिकली जीरो जीरो लेके उस चीज को रिप्रेजेंट कर दे रहा है. ओके, सो इस तरीके की चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो. अब एक और चीज डेटा टाइप के अंदर आपको देखने मिलेगी, एंड फॉर श्योर ये चीज नंपाई के अलावा और कहीं नहीं है, ठीक है. सो आप इसके अंदर क्या होता है, नंपाई के अंदर बेसिकली आप जब पाइथन के अंदर थे तो आपको वहां पे जो डेटा टाइप पता चल रहा था, किसी भी वेरिएबल का या किसी भी लिस्ट का आपको जो डेटा टाइप पता चल रहा था, सो दैट इज ऑफ इंटीजर, स्ट्रिंग और some kind, ठीक है, इस तरह के की. सो बट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. ओके, बट सो नंपाई आपको बेसिकली इंटीजर्स बताता है कि आपके पास तीन टाइप्स के इंटीजर्स है. मीन्स ये बेसिकली स्टोर करता है जो वैल्यूज वो 16 बीट में, 32 बीट में एंड 64 बीट में करता है. तो बेसिकली आप यहाँ पे वो चीज भी फाइंड आउट कर सकते हो और वो चीज भी देख सकते हो कि किस तरीके से आप वो कर रहे हो, ठीक है. सो आपके पास मैं दो वैल्यूज ले रहा हूँ, 3 and 4, और यहाँ पे मैं दो वैल्यूज ले रहा हूँ, 8 and 9. ओके, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे इसकी टाइप चेक करना चाह रहा हूँ. सो डी टाइप, ओके, सो डी टाइप, एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले कुछ असाइनमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे असाइनमेंट कर रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये चीज आप बिल्कुल समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्वैपिंग ऑपरेशन, ठीक है. अब ऐसा करते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी ए, और ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए और सी प्लस बी, ऐसा, ठीक है. ये चीजें अपने फेमनोक्यू में देखी थी और ये चीज आपको पता है, तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी बेसिकली वैल्यूज क्या क्या होती जा रही है, ठीक है. एंड इसके अंदर भी ये चीज हो सकती है, आई थिंक. ओके, सो इसी तरीके से मैं इसकी भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ. सो बी एंड ओके, दिस इज योर आई थिंक 16 विल वर्क डेफिनेटली. ओके, नो 2 4 8 तीन ही होती हैं. ओके, सो 16 बीट एंड 32 बीट एंड 64 बीट. ओके, सो अब इसको चेक करते हैं. तो अब आप देखो इसको, अब बेसिकली अगर आप टाइप देखते हो, टाइप ऑफ, ओके, अब एक चीज पहले आप देख लो, ठीक है. अब आप देखो ये आपकी एरे आ गई, ठीक है, 3 4 8 9. ओके, अब आपको अगर टाइप देखनी है, टाइप सपोज अगर मुझे 3 की टाइप देखनी है, ठीक है, तीन आपकी जो वेरिएबल 3 है, ठीक है, तो आप अभी आप ये देख सकते हो, ठीक है. सो आप डेफिनेटली आप यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हो कि अब वैल्यूज क्या क्या हो गई है, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 and 4 stores in this, then 8 stores in this, and then 9 stores in this. Okay, so अगर मुझे इसकी टाइप देखनी है, मीन्स आपको अगर 3 ये जो ये वाला इंटीजर है पहला वाला, मीन्स 3 0 0 पे अगर आप जाओगे तो आपको 3 दिखेगा. अगर उसकी टाइप देखनी है तो आप बेसिकली उसकी टाइप देख सकते हो. सो n एंड दिस इज 0 and 0. सो यहाँ पे जो है, सो दैट इज 32 bit. ओके, सो अगेन दिस i4 i2 and i8, it represents 32 bit and your 16 bit and 64 bit. Okay, if you change it, अगर आप इसको i8 कर लेते हो तो basically यही आपका जो 32 integer 32 दिखा रहा है, ये I think 64 हो जाएगा. Yes. Okay. So इस तरीके से आपके अंदर, आपके पास यहाँ पे numpy के अंदर, data type के अंदर integer के लिए तीनों bits में actually value store होती है, ठीक है. एंड आप चेक कर सकते हो अलग अलग, ठीक है. आप 01 करके देख सकते हो, 01 पे बेसिकली आपको 4 की मिल जाएगी, 4 इसी में है. एंड देन आपको 8 9 पे आपको i2 आई थिंक 16 बीट है, तो वहां पे आपको इन दोनों की 16 बीट दिखाएगी. ओके, नाउ अब आप, ये था आपका, आप अभी तक एरे के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है. अभी तक आप एरे के अंदर काम कर रहे थे,
ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिकली अब मैट्रिक्स क्रिएट करके देखते हैं। ओके अब हम कुछ मैट्रिक्स क्रिएट करके देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होता है। सो एनपी डॉट मैट, ठीक है, आपको एरे क्रिएट करना था सो आप लिख रहे थे एनपी डॉट एरे। ओके सर, हाँ यस सर, ये एरे जो आपने वो लाइन नंबर 23 है, आपने डी टाइप में ए आई 8 लिखा, कोई और बात एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये वाली चीज, ये कुछ नहीं, ये आप इसको देखो, इसकी वैल्यूज क्या क्या हो जा रही है। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको एक ये बता रहा हूँ कि डी टाइप जो होता है, ठीक है, आपके नंपाई के पास जो डेटा टाइप होते हैं उसके अंदर जो इंटीजर होता है वो तीनों बिट्स में वैल्यू स्टोर कराता है, 16 बिट में, 32 बिट में एंड 64 बिट में। ओके, इंटीजर के ये तीनों बिट्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि आप बेसिकली यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि अगर मान लो आप इसको आई 8 कर देते हो, ठीक है, ये एक नोटेशन है, आई 8 का मतलब हो गया कि आपका इंटीजर 64 बिट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। किसी में भी हो, आपका इंटीजर किसी भी फॉर्मेट में हो, आप बेसिकली उसको 64 बिट में आप उसको चेक कर रहे हो, ठीक है, आप उसको 64 बिट में चेंज कर रहे हो, ठीक है। एंड आई 2 का मतलब है कि आप उसको 16 बिट में चेंज कर रहे हो, ठीक है। आपकी आपकी डेटा टाइप, आपकी जो इंटीजर डेटा टाइप है, कोई और नहीं, ठीक है, स्ट्रिंग या फिर मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीजर, बेसिकली आपकी जो इंटीजर डेटा टाइप है आप उसको यहाँ पे 16 बिट में देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर, आई 2 का मतलब मैं 16 बिट में देख रहा हूँ और आई 8 का मतलब है आप 64 बिट में देख रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे आपको ये पता है कि अब आपने ये एरे क्रिएट की है तो आपको पता है 0000, अगर आप एन 00 देखने जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख लोगे करके कि अगर मैं एन 00 देखने जाऊंगा कि 0 पोजिशन पे कौन कौन है, ठीक है, तो आपको देखो ये आप पता लगा सकते हो 3 है, ठीक है। अब 3 को आपने क्या बोला है कि 3 जो है वो आपका बेसिकली आई 8 है, तो आई 8 का जो टाइप आई 8 मैंने बोला है ना वो 64 बिट है, ठीक है। अब आप इसको चेंज कर लो, 01 कर लो, 01 पे बेसिकली आपका क्या होगा, ठीक है, 4 होगा। अब आप 4 पे टाइप देखो, ठीक है, सो आपके जो 3 और 4 है ये बेसिकली इसके अंदर है एंड जो 8 और 9 है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 8 और 9 की जो भी डेटा टाइप होगी वो बेसिकली इंटीजर 16 बिट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप इंटीजर अब 16 बिट में जब आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। I think this equals to yes. This equals to okay. आप swapping operation करते हो, so this equals to your I8 and this equals to your I2 and this equals to your I8 and this equals to your I2. Okay. So अब आपकी 8 की जो position है आप उस पर check कर सकते हो, उस पर आपको change मिलेगी, तो उस पर जब आप check करने जाओगे तो I think that is 10, ठीक है, ये आई थिंक 10 पे है, सो आप 10 पे देख लो, तो 10 पे मेरे को ओके आई थिंक यस आई 10 और 20 20 पे, ओके सो 20 पे देखते हैं, यस 20 ओके 20 नहीं यार सॉरी 12 होगा, 11 होगा आई थिंक, यस 11 होगा। यहाँ पे भी आपको 1-1 करना है, 2 तो है ही नहीं मेरे पास, 1-1 ओके यस 16, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये केवल आपको मैं बता रहा था ये कि आपके पास तीन तरह की आपकी डेटा टाइप्स, जो इंटीजर की तीन बेसिकली डेटा टाइप्स होते हैं आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्री डिफाइंड है, अगर आपके पास जो ये प्री डिफाइंड एरे होगी तो सपोज इसमें सबकी टाइप सेम होगी, जो भी आपके इंटीजर की टाइप होगी या जो बिट होंगे वो सेम होंगे, सपोज वो 32 बिट है या 64 बिट है या 16 बिट है, आप उसको किसी में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, आप 16 को 32 में रखना चाह रहे हो या आप 64 वाले को 32 में रखना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप बेसिकली इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। ओके, ये चीज थी इसके अंदर। सॉल्व हो जाए करे, ठीक है, ओके।
सो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स किस तरीके से, ठीक है, अभी तक हम एरे क्रिएट कर रहे थे, अब मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं और मैट्रिक्स के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर कंप्यूटेशन कर सकते हैं या इसके ऊपर किसी तरीके की हम मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं या फिर किसी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो अब आप देखो, अभी तक आप जब एरे क्रिएट कर रहे थे तो आपको वहाँ पे बेसिकली एरे आ रही थी, ठीक है, आप जब भी एरे क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे आपको एरे आ रही थी. जब आप मैट्रिक्स क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा सिर्फ कि ये आपकी अब मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज नॉट एरे, दिस इज अ मैट्रिक्स. और आप चेंज भी देखोगे, ठीक है, बेसिकली आप ये चेंज भी देख सकते हो, ठीक है, जो इसके अंदर हो रहा है. ओके, अब अगर आप इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो वापस से एरे में तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है np.array एंड यहाँ पे आपको m पास कर देना है. सो ये बेसिकली एरे में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो. ओके, अब एक चीज होती है आपके पास एस एनी एरे. ओके, सो numpy के पास हमारे पास थोड़ी मतलब बिल्कुल जैसे आप अभी तक देखते हो ना कि जो आपके पास ये सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये सारे फंक्शंस होते हैं आपकी हर एक आप देखते हो, ठीक है, जो भी लिस्ट टपल डिक्शनरी ये सारे टाइप्स पड़े, डेटा स्ट्रक्चर पड़े, उनके पास इस तरह के फंक्शंस थे, ठीक है, बट बेसिकली वो फंक्शंस किसी एक अमाउंट में थे, ठीक है, उसकी हम अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते थे कि हाँ इतने फंक्शंस हैं, ठीक है, हो सकता है किसी में 15 हो, 12 हो, किसी में 10 हो, बट इतने ही होते थे. बट numpy के अंदर आप देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, सो बेसिकली हम सब नहीं देख सकते, ठीक है, एंड कोई भी पूरी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं बेसिकली आपको जो कॉमन है और जो अनकॉमन भी है, जो बहुत कम भी यूज होते हैं, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन ऑल दोस. ओके, एंड देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है, ठीक है. सो एक चीज है एस एनी एरे. ओके, सो एस एनी एरे क्या करती है, आप एक आपने एक मैट्रिक्स बना रखा है, अब आप एक क्या करो, एक एरे भी बना लो. ओके, सो यहाँ से एस एनी एरे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी जब आप एक एरे भी क्रिएट कर लोगे. ओके, सो आई थिंक आई कैन क्रिएट एन एरे np.array और इसके अंदर आपको क्या करना है, 4, 7 देन 8 देन 9, ये आपकी एक एरे क्रिएट हो गई. ओके, आई थिंक इट्स ओके. ओके, सो ये एक आपकी एरे क्रिएट हो गई. अब आप अगर एस एनी एरे के अंदर np.sAnyArray के अंदर अगर आप इसलिए आप ए के अंदर स्टोर कर सकते हो. सो मैं अगर स्टोर कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ तो अब देखो ये बेसिकली इसको क्या कर रहा है, एरे में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है. जब आपके पास जो एरे है वो बेसिकली ये एरे में है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एरे में दे रहा है, ठीक है. और आपकी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, आपकी जो मैट्रिक्स एम है उसको भी आप एरे में कन्वर्ट कर ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ np.array, ठीक है. बट जब आप np.sAnyArray करोगे, ठीक है, जब आप np.sAnyArray करोगे और इसके अंदर जब आप m डालोगे तो बेसिकली यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब है, मेरे ख्याल से इसका जो मतलब है फंक्शन का, वो ये है कि ये किसी एरे को तो कन्वर्ट कर सकता है या किसी एरे को ये चेक कर सकता है, बट ये बेसिकली आपके मैट्रिक्स को नहीं कन्वर्ट कर सकता, ठीक है. अगर तो डेफिनेटली अगर आपको मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एरे में तो आपको np.array के अंदर ही वो मैट्रिक्स डालनी पड़ेगी, ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट आता है एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक दैट इज कॉल्ड डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी एंड बेसिकली ये चीज आप इंटरव्यूज अगर आप ऐसे भी गूगल सर्च करते हो एंड पाइथन इंटरव्यूज के लिए भी जाते हो या फिर किसी भी आई थिंक मशीन लर्निंग के इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो जाता है, बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी, ठीक है. सो इसको समझना कि डिफरेंस क्या है डीप कॉपी और शैलो कॉपी में. ओके, सो एक एरे क्रिएट करते हैं a = आई थिंक a मेरे पास है, मैं इसी a को यूज कर लेता हूँ, मैं क्यों दूसरा बनाने जाऊँ, ठीक है. सो a एरे मेरे पास है, मैं यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देता हूँ एंड आई थिंक इट्स ओके. सो दिस इज इट. अब ठीक है, मैं बी के अंदर ए को स्टोर करा रहा हूँ. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक ये दोनों सेम होंगे एंड अगर मैं बी को देखूंगा ओके सो ठीक है. आप अगर ए को देखोगे सो दिस इज इक्वल्स टू 4, 7, 8, 9, 10 एंड बी को अगर आप देखोगे सो दिस इज इक्वल्स टू 4, 7, 8, 9, 10. ओके, अब अगर आप बी में कुछ चेंज करते हो, मीन्स अगर आप
बी के अंदर बी में बेसिकली ये आपकी जो बी वाली एरे है इसके किसी, अब ये बेसिकली एक तरह से लिस्ट है ठीक है, और आपके पास अब आप एरे सीख गए हो, सो दिस इज ये आपकी एनपी एरे है ठीक है, मींस एन डायमेंशनल एरे है ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इंडेक्सिंग कर सकते हो और यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हो ठीक है। सो मुझे कोई वैल्यू यहाँ से हटानी है ठीक है, और वहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू डालनी है, तो सपोज मैं आपको मैं बोल रहा हूँ मुझे 4 की जगह 14 यूज करना था ठीक है। सो अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ ओके, सो आई कैन डू दिस। अब बी की वैल्यू देखो 14 हो गई, एंड यहाँ पे ए की वैल्यू भी चेंज हो गई, जो आपकी पूरी की पूरी ए एरे थी वो भी चेंज हो गई ओके। सो दिस इज वन थिंग ठीक है, सो दिस इज वन थिंग ठीक है। अभी इसको याद रखना कि आपने इस तरीके की एक चीज देखी कि अगर आप बी के बी इक्वल टू ए करते रहो, मीन्स आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर आप एक क्या करते हैं इक्वल टू साइन लगा के अगर आप किसी एरे को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दे रहे हो, तो आप अगर जो एरे आपने बाद में क्रिएट किए थे मीन्स आपने जिसके अंदर स्टोर कराया अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो आपकी जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर भी चेंजेस हो जा रहे हैं ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं अगर सी नाम की एक एरे बनाता हूँ ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास सपोज कोई सी है ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली एन पी डॉट ओके आई थिंक एन पी डॉट कॉपी ओके, सो सी इक्वल्स टू एन पी डॉट आई थिंक ये है ओके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सो ओके मैं सी करता हूँ सी डॉट कॉपी, यस आई कैन डू दिस। सो सी डॉट कॉपी करके अगर मैं कॉपी करता हूँ ओके, अब आप देखो सी की वैल्यू ओके सो इट्स 14। अब अगर मैं सी के अंदर कोई चेंज करता हूँ, सी के अंदर मैं कोई चेंज करता हूँ मीन्स सी की जीरो वैल्यू पे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं 23 कर दूँ, तो सपोज मैं अगर सी के अंदर कोई चेंज करता हूँ, सो यू कैन सी द चेंज इन सी, बट द 14 इज मीन्स द ए एरे इज स्टिल सेम ओके। सो आपकी जो ओरिजिनल एरे थी वो अभी भी सेम है ठीक है। सो दिस ऑपरेशन दिस कॉपी ऑपरेशन इज कॉल्ड डीप कॉपी ओके, इसको याद रखना, दिस इज कॉल्ड डीप कॉपी, यस दिस इज कॉल्ड डीप कॉपी एंड दिस इज कॉल्ड योर शैलो कॉपी। बी इक्वल्स टू ए वाली जो कॉन्सेप्ट थी, दिस इज योर शैलो कॉपी एंड दिस इज योर डीप कॉपी ठीक है। अब आप देखो कि इंटरनली क्या हो रहा है बेसिकली ठीक है, अब आप देखो कि इंटरनली क्या हो रहा है ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि हो क्या रहा है ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सेम एरे थी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है, कि यहाँ पे 14 40 है वो आप अगर ध्यान से देखते आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा आ गया होगा ठीक है, बट इंटरनली देखते हैं इंटरनली हो क्या रहा है, अंदर क्या हो रहा है ठीक है। सो डीप कॉपी के अंदर क्या होता है देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, आई थिंक आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ये बैंक व्हाइट पेपर वाली ओके, आपको वो चीज तो आ गई बट आप इंटरनली भी जानो कि इंटरनली क्या हो रहा है ठीक है। तो इंटरनली क्या हो रहा है, आपके पास सपोज से ये आपकी पूरी एक हीप मेमोरी है जहाँ पे सारी वैल्यू स्टोर होती है, सो यहाँ पे मेरे पास ये कह रही थी ए नाम की, सो 4 5 6 7 मुझे नंबर नहीं याद है ठीक है, सो मैं जो भी नंबर है यहाँ ले रहा हूँ ओके, सो 4 5 6 7 10। जब आप डीप कॉपी कर रहे हो, सॉरी जब आप शैलो कॉपी कर रहे हो, बी इक्वल टू ए कर रहे हो ठीक है, सो उसमें क्या हो रहा है आपकी ये ए एरे है, सो दिस इज योर ए एरे ठीक है, दिस इज योर ए एरे। जब आप शैलो कॉपी कर रहे हो तो आपकी जो बी नाम की एरे आ रही है ना, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो आपकी बी नाम की एरे आ रही है वो भी इसी लोकेशन पे इसी पोजिशन पे पॉइंट कर रही है और ए भी आपकी इसी पोजिशन पे है ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करोगे, इसकी इंडेक्स पे कोई वैल्यू चेंज करोगे तो बेसिकली वो चेंज आपको इसके अंदर भी रिफ्लेक्टेड होगा ओके ठीक है, क्यों दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे है ठीक है, बिल्कुल आप मतलब आपकी जो पोजीशन है यहाँ पे दोनों की सेम है। बट जब आप डीप कॉपी कर रहे हो, जब आप डीप कॉपी कर रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपकी जो सी आ रही है, सी बेसिकली सी की पोजीशन यहाँ पे कहीं है ठीक है, ये भी सेम एरे ले रहा है जो आपके 10 के अंदर है वही एरे ले रहा है, बट सी बेसिकली सी यहाँ पे है ठीक है, सी यहाँ पे नहीं है ठीक है। जब हम बी इक्वल्स टू ए कर रहे हैं तो बेसिकली वो यहाँ पे हो जा रहा है ठीक है, दोनों यहीं पे हो जा रहे हैं, बट जो सी है जो मैं जब डॉट कॉपी यूज करता हूँ तो सी अपनी एक अलग पोजिशन में चला जाता है, उसके पास मेंबर सेम होते हैं, नंबर सेम होते हैं, बट उसकी जो पोजिशन होती है, उसकी जो लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है ओके।
इस वजह से यहाँ पे अगर आप कुछ चेंजेस करोगे तो वो बेसिकली आपके ए के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया? ओके, सो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। बेसिकली ये चीज आपसे अंदर वाली चीज पूछी जाती है कि आप डीप कॉपी शैलो कॉपी अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपको इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप एनपी डॉट कॉपी अगर आप कॉपी कर रहे हो सो दैट इज योर डीप कॉपी, अगर आप इक्वल टू साइन से असाइन करो सो दैट इज योर शैलो कॉपी। बट ये तो आप ठीक है, आप एक बार अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप याद रखोगे, बट आप जो व्हाइट पेपर पे समझो वो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। सो ये आपकी डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट था। ओके, अब एक चीज करते हैं, एक और फंक्शन देखते हैं रैंडम। मैं फंक्शन उठा के देख रहा हूँ, एंड फ्रॉम यस फ्रॉम फंक्शन एंड यस देयर इज सम फंक्शन लैम्डा मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, लैम्डा एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, x इक्वल टू y, ठीक है। और मेरी एक मैट्रिक्स है, ओके, मेरी एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ कि उस मैट्रिक्स अंदर क्या क्या चीजें, मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं केवल उसकी शेप दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई कैन डू दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डू दिस। सो 3x4 की सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ओके, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो कि आप इसके अंदर देख के मुझे एक बार ये ट्राई करो कि हो क्या रहा है। जो चीज आप ऑब्जर्व करोगी बिल्कुल वही चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, नथिंग एल्स, क्योंकि ये मैंने एक रैंडम फंक्शन उठाया था, ठीक है। सो यू कैन, अगर आप एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसके अंदर हो क्या रहा है। और मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ, सेम, एंड मैं यहाँ पे लैम्डा की फंक्शन चेंज कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इस कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ, सर वो एक एक एक्स को पहले जीरो सपोज करा, फिर उसके बाद वाई को वन, एक्स को जीरो, फिर वो जीरो और वाई को वन क्यों सपोज करेगा? नहीं, ये ऐड 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 आप छोड़ दो, इसमें बताओ सपोज कुछ नहीं करता, आप जब तक उसको नहीं बताओगे उसको कुछ बूलियन वैल्यू ले रहा है, बूलियन वैल्यू तो ले रहा है वो, तो फोर्स मुझे भी पता है वो बूलियन वैल्यू, बट ये बुलियन वैल्यू जो ले रहा है तो इसका मतलब क्या, ट्रू फॉल्स का मतलब क्या, ट्रू क्यों आ रहा है फॉल्स क्यों आ रहा है? ओके, सो ये इस तरीके से आप मुझे एक्सप्लेन करोगे तो ये गलत बात है, ठीक है, कि बुलियन वैल्यू ले रहा है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो हो क्या रहा है, दिस इज योर 3x4 मैट्रिक्स, ओके, मान सकते हैं मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है इसके अंदर, ठीक है। सो बुलियन वैल्यू क्यों ले रहा है, बुलियन वैल्यू का क्या मतलब है वो समझो, 3x4 मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0 1 2 होगा एंड यहाँ पे 0 1 2 3 होगा, आई थिंक अब आप समझ रहे होगे, जहाँ पे ये दिस इज योर एक्स, दिस योर रो इज एक्स एंड कॉलम इज वाई, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू वाई, जहाँ पे एक्स इक्वल टू, जहाँ ये 0 इक्वल टू, ये ट्रू हो रहा है, ठीक है। देन अगेन कहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, देन कहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, फॉल्स होगा, ओके। अब आप अगर इसको प्लस करा रहे हो तो क्या हो रहा है, 0 0, ठीक है। सो पहली पोजीशन पे क्या हो रहा है, 0 प्लस 0, सो 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, ठीक है, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। ओके, तो ये फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, मैं बीच बीच में ऐसी एक दो चीजें निकाल के बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आई थिंक एंड एम का तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ओपन सी बी में, बट एस एनी एरे एंड फ्रॉम फंक्शन में भी यूज होता है, मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पे इसका बेसिकली यूज आता है, ठीक है। सो ये चीजें थी आपकी इसके अंदर, बेसिकली ये थोड़ी बहुत चीजें थी। अब एक चीज देखते हैं कि आप
array convert कर सकते हो, ठीक है, आप array create कर सकते हो, three dimensional भी आप array create कर सकते हो, like in this way, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे I think सबसे पहले मैंने दो array create किए थे, ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूँ तीन create करने को, तो आप definitely कर सकते हो, कोई problem नहीं आनी चाहिए उसमें, ठीक है, तो मैं एक मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा था ऐसा, but I think यहाँ पे मैं एक बार और check करना चाहूँगा, so मैं काम करता हूँ यही वाला उठाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहाँ गया, तो इसमें फर्स्ट है नहीं, ओके, सो इसको मैं बस नाम चेंज कर देता हूँ, सो पेस्ट एंड दिस इज योर एन एंड एन इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे एंड इसके अंदर एक और मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, सो आई थिंक 6, 7 एंड 9 देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे देख लेना np array dot nd array object has no attribute and name, I think it's ये होता है, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एंडिंग तो होता है, ओके, अरे यार, ओके, सो इट इज टू डायमेंशनल है, ठीक है, मैं बार बार एम आई एल लिख रहा था आई थिंक, ठीक है, तो ठीक है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है, ठीक है, अब ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे डायमेंशन चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बेसिकली एन डी आई एम आई एन लिखोगे, सॉरी एन डी एम आई एन लिखोगे, ठीक है, वो जो यहाँ पे गलती हो रही थी बार बार बेसिकली मैं उसकी वजह से गलती हो जा रही थी, ठीक है, तो वहां पे अगर आप अगर उसकी साइज बढ़ा देते हो तो यहाँ पे उसकी साइज बढ़ जाएगी, ठीक है, अभी आपने यहाँ पे एक और चीज जो थोड़ी मिस हो गई थी वो ये थी कि आप एक तो डायमेंशन चेक कर सकते हो और एक चीज मैंने शेप चेक की थी, एक चीज और चेक कर सकते हो, साइज चेक कर सकते हो, ठीक है, तो इसकी साइज क्या है, अगर आप साइज देखोगे सो 3x3 = 9, ठीक है, सो इसकी साइज 9 थी तो आप बेसिकली चेक कर सकते हो, ठीक है, अब आपके जो डी टाइप वाला कॉन्सेप्ट था वो देखो, अगर आपको इसकी टाइप चेक करनी है सो आप इसका डेटा टाइप चेक कर सकते हो, सो अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे सो दैट इज इन 32, ओके, सो बाय डिफॉल्ट ही इन 32 है, अगर आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया था, तो डेफिनेटली वहां पे फिर आपकी एक एक वैल्यू की जो इंटीजर टाइप है वो चेंज हो जाएगी, और आप यहाँ पे भी आई थिंक कर सकते हो सबके लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे जैसे मेरे ख्याल से एंडिंग है वैसे आपके पास और भी चीजें हैं, ठीक है, सो यस डी टाइप नन है, ठीक है, सो डी टाइप को आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, ओके, सो दिस इज इट, ओके, आई थिंक ये हो गया इनफ, यहाँ पे चीजें हो गई, ठीक है, अब सीखते हैं, ओके, सो आप उस जिस दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, जिस दिन आपको बिल्कुल आवाज नहीं आई थी, उसके पहले आपने एक दिन मुझसे पूछा था रैंडम के बारे में, एंड आई थिंक मैं उस दिन सबसे पहले रैंडम बता रहा था, सो आपको आवाज बिल्कुल नहीं आई थी, तो रैंडम आपको बिल्कुल भी नहीं आया या थोड़ा बहुत आया समझ में, कुछ आपने पढ़ा फिर कहीं जाके रैंडम के बारे में, व्हाट इज रैंडम जो आप रैंडम मेट से पूछ रही थी? यस सर, अगर सपोज कंटिन्यूअस नंबर को हमें इंपोर्ट कर मतलब एक्सेस करना होता है तो मे बी उसके लिए यूज करते हैं शायद, नहीं, ओके, सही, सो बेसिकली जब आपको रैंडम कोई आपको मैं बोला आपको हाँ. मैं हमेशा बोला हूँ, ठीक है, कि आप 1 से 50 तक के इवन नंबर लो, ऑड नंबर लो, या फिर 1 से 50 तक के नंबर्स लो, उसके अंदर कुछ कंडीशन लगाओ, ठीक है, अब आपको मैं बोलूँ कि आप कोई भी रैंडम नंबर पिक करो, 1 to 50 में से कोई रैंडम नंबर पिक करो, ठीक है, सो वहां पे आप रैंडम का यूज करते हो, तो वहां पे आप बेसिकली इंपोर्ट करते हो रैंडम को, ओके, उस जगह पे, अब आप अगर यही सेम चीज, अब आपके पास एक चीज होती है, आपने कोर के अंदर पढ़ा था रेंज, ओके, यहाँ पे होता है ए रेंज, यहाँ पे बेसिकली नंपाई के अंदर होता है ए रेंज, सो np dot a range अगर आप देखोगे, so ये वर्क करता है सिमिलरली जैसे आपका रेंज फंक्शन यूज करता था, इसके अंदर आप रेंज फंक्शन के अंदर भी आप स्टार्टिंग एलिमेंट दे सकते थे, एंड स्टेटमेंट दे सकते थे, और फिर स्टेप दे सकते थे, ओके, सो इसके अंदर भी सेम चीज होती है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है,
अब आप डायरेक्टली भी दे देते थे रेंज के अंदर, ठीक है, रेंज के अंदर डायरेक्टली कोई वैल्यू दे सकते थे, तो यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है, अरे यहाँ पे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ सपोज आप 10 देते हो, तो ये देखो ये नंबर्स आ गए. अब एक चीज है कि आप वहां पे रेंज के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं दे सकते थे, मीन्स फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं दे सकते थे, बट आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है. यहाँ पे अगर आप 9.5 देते हो तो ये आएगा, ठीक है. अब बात ये है कि यहाँ पे आपने, ठीक है, अब आपको देखो सारे नंबर जो दिख रहे होंगे वो बेसिकली डॉट के साथ दिख रहा है, ठीक है, डॉट के साथ तो दिख रहा है, बट अगर आप देखना चाहते हो कि इसके बीच में क्या आप बेसिकली वो जो पॉइंट्स के नंबर्स हैं उनको भी प्रिंट आउट कर, प्रिंट करके देख सकते हो, उनको भी देख सकते हो इसके अंदर, सो डेफिनेटली देख सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं, आप यहाँ पे बेसिकली डिफाइन कर दो कि आप 2 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, 9.5 तक जाना चाह रहे हो, और आपकी जो गैप है वो 0.6 की या 0.5 की आप देना चाह रहे हो. देखो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. सो ये है आपका रेंज फंक्शन, ठीक है. वहां पे आप कोर के अंदर, आप बेसिकली रेंज फंक्शन के अंदर ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं देख सकते थे, ठीक है. अगर आप फ्लोटिंग में नंबर देते तो वहां पे वो चीज नहीं चलती, बट यहाँ पे ये चीज चल जाएगी, ठीक है. सो एंड अगेन आप चाहो तो अगर आप इसको किसी किसी वैल्यू में स्टोर करा लेते हो, और अगर आप इसको चाहते हो कि आप इसको कन्वर्ट करके देखना चाहते हो, अगर आप इसको लिस्ट के अंदर डाल के देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. आप लिस्ट के अंदर डाल के देख लो, ठीक है. सो ये आपकी एक लिस्ट हो गई, और लिस्ट के अंदर ये सारे वैल्यूज आ गए, 2, 2.6, 3.2, 3.8, ओके, इस तरीके से आ गए. अब एक चीज होती है, ये बहुत गंदा लग रहा है. अब एक चीज होती है लाइन स्पेस, ठीक है. अगेन जिस जो आप अब पढ़ रहे हो, दिस ए रेंज फंक्शन और लाइन स्पेस, इसको बहुत ध्यान से देखना और इसको बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है. बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ए रेंज और लाइन स्पेस, ये सिमिलर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं एनपी डॉट लाइन स्पेस करना चाह रहा हूँ. सो लाइन स्पेस एन ई नहीं होता, ओके. सो ये मैं बहुत बार गलती किया हूँ, तो मुझे आज याद हो गया है, और ये गलती मैंने बहुत बार की है, ठीक है. सो मैं यहाँ पे हमेशा लाइन लिख देता था. और अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको फिर से सेम चीज देनी है. देखो यहाँ पे फिर से आपको सेम चीज देनी है, स्टार्ट स्टॉप, ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सबसे अच्छा होता है, स्टार्ट स्टॉप देन नंबर देन एंड पॉइंट रेट स्टेप डी टाइप एक्सिस इक्वल्स टू 0, एक्सिस बाय डिफॉल्ट 0 होती है, वो भी नहीं सकती, बाकी सबको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो वो एक एक करके देखेंगे, ओके. अब आप चाहो तो इसके अंदर भी जाके पूरा पढ़ सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ इसमें होता क्या है. इसमें होता ये है कि आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो, ठीक है. सो स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यूज में दे देता हूँ. अब आप यहाँ पे जो देते हो, तो बेसिकली ये क्या होता है कि आप इन दोनों के बीच में 2 और 10, ठीक है, मीन्स 2 से 10 के बीच में आप कितनी वैल्यू डालना चाहते हो, ठीक है, मीन्स 2 से 10 के बीच में आप कितनी वैल्यू डालना चाहते हो, वो नंबर आपको यहाँ देना होता है, ठीक है. तो सपोज मैं यहाँ पे 20 लिख दे रहा हूँ, तो अब आप देखो 2 से लेकर 10 तक के बीच में सारे नंबर्स, जो नंबर्स होंगे बेसिकली, अरे सॉरी, हाँ, 2 से लेकर 10 के बीच में ये इसने 20 नंबर्स डाल दिए हैं, ठीक है, 20 नंबर्स इसने डाल दिए हैं, ठीक है. अब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो ये बिल्कुल आपको आप गिन सकते हो, ये 20 ही होंगे, ठीक है, एक कम नहीं होगा ना, एक ज्यादा होगा, ठीक है. अब इसमें क्या चीज होती है, अब देखो अब इसमें एक चीज, अब देखो अब इसके अब इस अब इसके एक एक चीज को देखते हैं क्या है, ठीक है. सो एंड पॉइंट इक्वल्स टू ट्रू, तो एंड पॉइंट का मतलब होता है आपकी लास्ट वैल्यू, ठीक है. तो अभी आप देखोगे आपकी लास्ट वैल्यू जो है 10, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, आपको लिस्ट के अंदर दिख रही होगी, बट अगर आप एंड पॉइंट इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हो तो वो नहीं दिखेगी, ठीक है, वो चीज आपको नहीं दिखेगी, ठीक है. अब आपको ये देखो ये रेड स्टेप क्या होता है, तो सिंपली आप अगर जानना चाह रहे हो कि वो जो डिवाइड कर रहा है, तो वो बेसिकली 20 को जो उसने डिवाइड किया, 2 से लेकर 10 तक वो जा रहा है, तो वो कितनी कितनी वैल्यूज ले रहा है, ठीक है. सो 2.4 अगर ले रहा है, 2.4 फिर 2.8, तो मीन्स वो 0.4 का वो डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, मतलब डिफरेंस जो है वैल्यूज के बीच में वो 0.4 का है, ठीक है. डी टाइप नन है, एक्सिस 0 है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है. डी टाइप नन है, वो सिमिलरली वही चीज है, बट यहाँ पे आपकी इंटीजर तो है नहीं, तो आप इसको नन ही रहने दो. आप सबसे आप बेसिकली ट्रू फॉल्स आपका ये चीज आप समझ गए होंगे. रेट स्टेप आप एक बार चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है. सो अगर आपको रेट स्टेप देखना, सो रेट स्टेप इक्वल्स टू मैं ये याद रखने वाली चीज नहीं है, ठीक है, ओके, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ. सो ट्रू 0.42, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो, 0.42 का डिफरेंस है हर एक वैल्यू के बीच में, ओके.
अगर आप यहाँ एंड पॉइंट फॉल्स कर देते हो तो आपको ये 10 नहीं दिखेगा, ओके। सो ये चीज होती है लाइन स्पेस। तो अरेंज में क्या होता है, अरेंज में आप बेसिकली जितने आप जो आप वैल्यू दोगे उतने उतने के डिस्टेंस, उतने उतने के गैप में आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। बट लाइन स्पेस में क्या होता है, लाइन स्पेस में जो आप यहाँ पे वैल्यू देते हो ये बेसिकली वो नंबर होता है जितने नंबर आप प्रिंट कराना चाहते हो बिटवीन दोस टू नंबर्स, ओके। सो ये होता है आपका लाइन स्पेस, ठीक है। अब देखो फिर अब थोड़ी सी मस्ती वाली चीज देखते हैं, ओके। सो जीरोस एनपी डॉट जीरोस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एनपी डॉट जीरोस, ओके। सो आई थिंक अगर मैं एक बार समरी लूं तो लाइन स्पेस, ए रेंज, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, दिस फोर आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी तक जो हमने पढ़े आई थिंक, और कुछ चीजें हैं, ओके, एंडिंग, ओके, डायमेंशनल, यस, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, देन शेप साइज, ओके, आप देख सकते हो। सो कम से कम ओके, सो जो मैंने चार नाम लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, लाइन स्पेस, ए रेंज, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, ओके। अब देखते हैं एनपी डॉट जीरोस। सो जीरोस का क्या मतलब होता है कि आप सपोज कोई भी मैट्रिक्स दे रहे हो, जीरोस के अंदर क्या होगा, आप कोई भी मैट्रिक्स दोगे सो वो बेसिकली करेगा क्या, वो देखो क्या करेगा, आप अगर यहाँ पे 2,3 दे देते हो, ओके, डबल ब्रैकेट में जाना, एनपी डॉट, ओके, देखो 2,3 का क्या मतलब होगा कि आप हर जगह सारे क्या करते हैं, क्या करना चाह रहे हो, देखो एनपी डॉट जीरो का क्या मतलब होता है, आप जितने की भी मैट्रिक्स क्रिएट करोगे या जितने की भी एरे क्रिएट करोगे, जो भी आपकी डायमेंशन, जो भी आपकी शेप होगी, 2×3 की ये मैंने शेप बना दी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आपको केवल शेप डिफाइन करना है और उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर सारी जो वैल्यूज होंगी वो बेसिकली जीरो हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर आप सिंपली अब देखो आप इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आप टैब के अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा, ओके, शेप, देन डी टाइप, देन ऑर्डर। सो ऑर्डर इक्वल्स टू सी फ्लोट, डी टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता है, ओके, मैं ये देख भी सकता हूँ, सो यस, आप देखो पॉइंट पॉइंट लग रहा है यहाँ पे। एंड आई थिंक अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी करता हूँ, ओके, देखो आप यहाँ पे अगर मैं कोई और नंबर भी डालता हूँ, दिख रही है स्क्रीन में, यस, सो ये क्या हो रहा है, देखो ये बेसिकली क्या हो रहा है, अब आप देखो ये इसमें क्या हुआ, अगर मैं 5 डाल दिया तो ये क्या हो गया, ये 3×5 की मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया, ओके। अब आप इसको देखो 3×5 की इसने मैट्रिक्स क्रिएट कर ली और उस चीज को दो बार, ठीक है, उस चीज को बेसिकली इसने दो बार कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो आई थिंक अगर यहाँ से चेंज हो रहा है, अगर मैं इसको 3 करता हूँ, सो यस, देखो 3 बार। अब आप इस पे अगर और भी बढ़ाना चाह रहे हो, और भी मैट्रिसेस बनाना चाह रहे हो तो आप 4 कर लो, 5 कर लो, वो उतने मैट्रिसेस बेसिकली 3×5 के ये आपकी शेप है, ये दिस इज योर शेप, 3×5 इज योर शेप। अब ये 3×5 के आप जितने चाहो उतने मैट्रिसेस जीरो, ठीक है, जिसके अंदर केवल जीरो होगा उतनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो, ठीक है। सो ये होती है एनपी डॉट जीरो। और अगर आप कॉमनली अगर केवल 3×5 लिखते हो तो वो 3×5 की एक मैट्रिक्स आपको बना के देगा, ओके। और इस साइड फिर अगर आप कोई वैल्यू लिख देते हो, अगर आप सपोज यहाँ पे 3 वैल्यूज देते हो और अगर आप मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी वैल्यू लिखते हो वो उतनी मैट्रिक्स बना के देगा, ओके। अगेन ये सारी चीजें याद करने वाली नहीं है, ठीक है, बस आप एक बार देख लो ताकि आपको नॉलेज रहे, एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी ये चीज करने बैठो तो आपको बेसिकली ये चीज याद आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें कोई याद करने वाली नहीं है, मैंने कुछ याद करके रखा हुआ है, ओके। सिमिलरली एनपी डॉट वंस होता है, एनपी डॉट वंस के अंदर भी अगर आप 3×4 की मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहे हो, सो यू कैन डू दिस, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक चीज आती है, वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज एरे ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, एरे ब्रॉडकास्टिंग। सो एरे ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, एरे ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है एलिमेंट बाई मीन्स आपके हर एक एलिमेंट से, जो भी आपकी ये एलिमेंट्स हैं इनसे आप किसी भी तरीके से इनके ऊपर मीन्स आपके आप हर एक एलिमेंट के साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, मीन्स आप हर एक एलिमेंट के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो।
ठीक है, तो सपोज मेरे कहने का मतलब क्या है वो देखो कि अगर यहाँ पे मैं प्लस टू कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या होगा, हर एक वैल्यू थ्री हो गई, ठीक है, मीन्स ये टू, ये मैं प्लस टू किया तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हर एक वैल्यू के पास गया और यहाँ पे वन था, वन प्लस टू, 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 सब में ये दो 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 दो, ये क्या कहते हैं वन प्लस टू हो गया, और ये अब आपको क्या कहते हैं थ्री क्रॉस फोर की जो मैट्रिक्स मिली है उसके अंदर सारी वैल्यू जो है वो थ्री है, ठीक है। सो ये जो चीज होती है, ये जो आप इस तरीके की ऑपरेशन करते हो उसको बोलते हैं एरे ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन। ओके, सो मैं यहाँ पे एक बार कमेंट में भी लिख दे रहा हूँ, दिस इज योर ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन। ओके, सो अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। यस सर, वो थ्री के बाद डॉट फिर कॉमा क्यों दे रहा है, फ्लोट में वैल्यू जा रही है। देखो यही चीज आपको मैंने यहाँ पे बताया, डॉट में कॉमा क्यों दे रहा है ना, डॉट में डॉट क्यों बोल, डॉट क्यों दे रहा है, यही चीज आप पूछ रहे हो ना। जी सर। देखो आप स्टेप टैब दबा के देखो यार, ये देखो यहाँ पे आपको बेसिकली सॉरी यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से दिया हुआ था, देखो डी टाइप यहाँ पे फ्लोट है, ओके, और यहाँ पे भी आपकी जो डी टाइप है आई थिंक ये भी फ्लोट नन दे रहा है, ठीक है। सो आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट जो नन भी दे रहा है वहाँ पे ये डी टाइप ऑप्शनल, द डिजायर्ड डेटा टाइप फॉर द एरे नम एन डिफॉल्ट इज, ओके देखो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो नम पाई डॉट फ्लोट 64 होता है। ओके ये नहीं दिखी थी उस टाइम, पूछा मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब दिख गई ना, अब आप समझ गए ना क्यों दे रहा है। ओके, सो कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल शिफ्ट टैब दबाना है आपको, गूगल सर्च भी नहीं करना है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, डिजायर डेटा टाइप फॉर द एरे एग्जांपल numpy dot int, डिफॉल्ट इज numpy dot float 64, ओके। आप चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो, ओके, ये चीज होती है। अब एक चीज आती है एनपी डॉट एम्प्टी। सो एम्प्टी बेसिकली क्या होता है, कई बार सपोज अब इस चीज को आप अगर खुद के लैपटॉप में, खुद के आप अगर नोटबुक में ट्राई करते हो, सो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरी नहीं है कि जो मेरा आंसर आया वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। सो जो इसके अंदर वैल्यूज आएंगी, ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, चला इसको यूज करने से पहले मैं आपसे ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो टेंड्स टू जीरो होंगी, मींस जीरो के बहुत पास होंगी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, अगर आपकी जीरो वाली भी अगर आपके पास कोई एरे है तो मतलब वो खाली है, ठीक है। तो इसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो टेंड्स टू जीरो होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम टेंड्स टू जीरो होंगी, कई बार जीरो भी हो सकती है, ठीक। सपोज आप पहली बार भी अगर आप अपने सिस्टम में चलाया वहाँ जीरो होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलाया तो हो सकता है जीरो हो जाए, ठीक है, आप अपने सिस्टम चलाओ तो वहाँ पे जीरो ना आए, बट जो वैल्यूज आएंगी वो टेंड्स टू जीरो होंगी, जीरो के बहुत पास होंगी, ठीक है। सो मैं देखता हूँ मेरे में क्या आता है, ठीक है, देखो इस तरीके की कोई वैल्यू आ रही है, आई थिंक कहीं पे ये बहुत खराब वैल्यू आ रही है, आई थिंक 2.3, अगर मैं छोटा बना के देखता हूँ ऐसे, एक बार ये जीरो आ गई, ठीक है, ये हर बार अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी, वो बिल्कुल बहुत ये खराब इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगेन एक बार मैं 3.4 पे चेक करता हूँ, ये 3.4 पे फिर से ये कुछ ले रहा है, ठीक है, बट जो इसका ओके यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ने भी जाऊँ, सो आई थिंक रिटर्न अ न्यू एरे गिवन शेप एंड टाइप विदाउट इनिशियलाइजिंग एंट्री, शेप इंट ओके 6 रिटर्न एनडी एरे, एरे इज अनइनिशियलाइज्ड आर्बिट्री डेटा ऑफ द गिवन शेप, ओके एम्प्टी लाइक रिटर्न एन एम्प्टी एरे विद शेप एंड टाइप ऑफ इनपुट, वंस रिटर्न अ न्यू एरे सेटिंग वैल्यूज टू फुल, ओके एम्प्टी अनलाइक जीरोस डज नॉट सेट द एरे वैल्यूज टू जीरो एंड मे देयरफॉर बी मार्जिनली फास्टर, ऑन द अदर हैंड requires the user to manually set all the values in the array and should be used with caution. Okay, so okay, अब यहाँ देख लो कि basically इसमें इस तरह की values आएंगी, ठीक है, अगर आप randomly अगर देखने जाओगे तो इस तरह की values आएंगी, might be, ठीक है, कभी कभी चीजें होती है, ठीक है, अभी देखो एक बार जीरो आया था, then इस तरह की values आ रही है, but most of the time इस तरह की values आएंगी, empty जब आप इस तरह से आप empty करोगे तो इस तरीके की वैल्यूज आएंगे, ठीक है। सो माइट बी पॉसिबल अगर आप अपने में चलाओ तो इस तरीके की वैल्यूज आए, ओके, डेफिनेटली इस तरीके की वैल्यूज ज्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। मैं यही चीज आपको दिखाना चाहता बट पता नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू होगा, ठीक है, नहीं आ रही है आपको 2.4, ठीक है, आप जीरो देख सकते हो, जीरो भी आ सकती है, जीरो डेफिनेटली आ सकती है, बट इस तरह की वैल्यूज आने के ज्यादा चांसेस है जो बिल्कुल जीरो के पास हो, ठीक है। सो आप इन सब वैल्यूज को आप देखोगे तो देखो ई प्लस ई माइनस ये सारी वैल्यू जीरो के बहुत पास है, ठीक है, ये माइनस में ही चली गई है,
ठीक है, सो इस तरह की वैल्यू आने के ज्यादा चांसेस है. ओके सो ये होता है एनपी, जो एम्प्टी का काम होता है वो बेसिकली यही होता है. ठीक है, अब एक चीज होती है लास्ट एनपी डॉट आई. ओके सो एनपी डॉट आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, सो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब पता है कि जिसके डायगोनल्स में वन होंगे. ठीक है, जिसके डायगोनल्स में वन होंगे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब पता है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दोगे, बेसिकली यहाँ पे आपको एन एक वैल्यू देनी है, बाकी सारी वैल्यूज प्रीडिफाइंड है. तो अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू दोगे एन की वैल्यू का मतलब होगा कि आप आपकी मैट्रिक्स की साइज या शेप कितनी आप करना चाह रहे हो. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं 4 करता हूँ 4x4 की मैट्रिक्स क्रिएट हो गई. पर आप देखो, आप देखोगे यहाँ पे देखो डायगोनल्स पे 1 है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है. ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी होगी. ठीक है, 8, 9, 10 किसी ना किसी क्लास में ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी. ठीक है, तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, अब एक चीज होती है एनपी डॉट लॉग स्पेस. लॉग आई थिंक यस यस स्पेस. ठीक है, जब भी आपको कन्फ्यूजन हुआ करे कि आप कुछ गलत तो नहीं लो, टैब दबा दिया करो. ठीक है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस इट, उसके बाद आपको याद हो जाएगा. ठीक है, बेसिकली आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद हो जाएगा और आपको केवल टैब दबाना है अगर आपसे गलती हो रही है. ठीक है, सो सपोज यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल दे रहा हूँ एंड मैं देखता हूँ कि ये क्या वैल्यूज आती हैं. ठीक है, सो अगर मैं इसको देखना चाहूँ, ठीक है, सो लॉग स्पेस के अंदर आपको क्या देना है, स्टार्टिंग पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना है एंड नंबर्स देने हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट 5.6, 7.8, ये बहुत पास में हो जाएगा, 9.8 दे देना हूँ, और मैं जो स्टेप दे रहा हूँ वो 6 दे रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मैं अब इसके बीच में सारी लॉग वैल्यूज आएंगी. ठीक है, अब ये देखो ये सारी जो इसके बीच में वैल्यूज आ रही हैं, ये बेसिकली इनके बीच की जो वैल्यूज हैं उनके लॉग हैं. ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे e के पावर में है, आप अगर यहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक और चीज कर सकते हो, आप इसको और अच्छे समझने के लिए कि आप क्या कर सकते हो, इसके बेस को चेंज कर सकते हो. ठीक है, सो अगर आप बेस 2 कर देते हो तो अब आप ये सारी, अब आप लॉग बेस 2 अगर इसके बीच की 6 वैल्यूज अगर आप क्या कहते हैं लाइन स्पेस से आप कैलकुलेट कर लो. ठीक है, लाइन स्पेस बेसिकली आपको क्या करेगा, बिल्कुल जो डिफरेंस होगी नंबर्स की वो आपको बता देगा. ठीक है, तो आप अगर इसके इसके बीच की वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लो खुद से मैनुअली या फिर लाइन स्पेस के थ्रू, अगर आप वो वैल्यूज जान जाओ और उसका आप लॉग बेस 2 निकालोगे हर एक वैल्यू का, तो वो बेसिकली यही आएगा, डेफिनेटली वो वैल्यूज यही होंगी. ठीक है, सो ये आपको बेसिकली इन दो के बीच के 6 लॉग वैल्यूज दे रही है. ठीक है, जो भी इसके बीच की वैल्यूज है, जो भी इसने 6 वैल्यूज दी होंगी उनकी लॉग वैल्यूज दे रही है. ओके, सो ये होता है एक लॉग. ओके, अब जैसे आपका रैंडम होता है, ठीक है, जैसे आपका कोर के अंदर रैंडम होता है, वैसे यहाँ पे भी आपका रैंडम होता है, वहां पे भी आपको बेसिकली इसी तरह लिखना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख के वो चीज समझ जाओ कि वहां पे भी आपको सपोज कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा तो वहां पे आपको इसी तरह लिखना होगा, ए डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट आप लिखते हो. यहाँ पे आपको ए डॉट रैंडम डॉट रैंड लिखना होता है. ठीक है, रैंड इंट नहीं, रैंड रैंड लिखोगे. ठीक है, सो अब अगर इसके अंदर आपको क्या देना होगा, इसके अंदर आपको बेसिकली देनी होगी आपको साइज. ठीक है, मीन्स आपको शेप देनी है. ठीक है, तो आप शेप दे दो 4x5, 3x4, जितने की भी आप मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहे हो. अब देखो ये सारे रैंडम नंबर ये आपको जनरेट करेगा, आप इसको हर बार चलाओगे हर बार आपको अलग वैल्यूज ही मिलेंगी इसके अंदर. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको वो नंबर जनरेट करके दे देता है. ठीक है, मीन्स रैंडम नंबर जनरेट करके दे देता है, 3x4 की एक मैट्रिक्स बनाएगा और उससे ही रैंडम नंबर उसके अंदर डाल के दे देगा. ठीक है, एक और चीज सिमिलर इससे मिलती जुलती आती है, दैट इज एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन. अब ये डिफरेंस, अब इसके अंदर देखो क्या होगा. ओके, मैं सेम ही बना लेता हूँ अदरवाइज. ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस है. ठीक है, आपको बिल्कुल एक्चुअल और अच्छे से डिफरेंस समझ में आएगा जब आप स्टैट्स कंप्लीट कर लोगे या फिर स्टैट्स के हाफ पार्ट कंप्लीट कर लोगे. बट यहाँ पे अगर आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है, देखो यहाँ पे बहुत माइनर सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपको मिलेगा समवेयर आई थिंक. ओके, यहाँ पे नहीं लिखा है. ओके, लिखा कहाँ पे, यस यहाँ पे. क्रिएट एन एरे ऑफ द गिवन शेप एंड पॉपुलेट इट विद रैंडम सैंपल्स फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन.
ओके सो देयर आर सम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली चार टाइप्स की होती है. सो उसके अंदर आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होती है आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके एक होती है आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो आपकी पहले वाली जो एरे क्रिएट हुई थी रैंडम नंबर से वो बेसिकली आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, आपने पढ़ा उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे जो क्रिएट हो रही है देखो ये पढ़ लो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है सो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में भी. ठीक है अगर आप अभी अगर समझ सकते हो तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ डिफरेंस की, अदरवाइज जब आप उस डिस्ट्रीब्यूशन पे जब हम बात करेंगे स्टैट्स के अंदर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है सो डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि रैंडम नंबर जो होते हैं, जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी डेटा सेट का, किसी भी डेटा का जब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है सो वहां पे आप कोई एक स्पेसिफिक मीन या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता होती है. ठीक है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आई थिंक मैं इतना सपोज कर सकता हूँ कि आपको आता होगा. ठीक है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होती है स्पेसिफिक. ठीक है एक वैल्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पता होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. ठीक है बट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपकी जो स्पेसिफिक मीन वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो वन हो जाती है. ठीक है सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते भी उसी को है जब आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन जीरो मीन पे और वन स्टैंडर्ड डेविएशन पे आके कलेक्ट हो जाती है. ठीक है तो उसी कॉन्सेप्ट को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ठीक है उसको और एलोबरेट करके पढ़ेंगे स्टैट्स पार्ट में बट अभी के लिए इतना जान लो. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये चीज नहीं होती है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास मीन की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है इस तरह की कि वो जीरो और वन पे आके सारी डेटा वहां पे आके कलेक्ट हो जाएगी. ठीक है यहाँ पे आपकी सारी डेटा आके कलेक्ट हो जाती है तो बस इतना सा फर्क होता है. तो इसमें जो आपकी रैंडम वैल्यू सारी है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आपकी जो डेटा है वो सारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ पे आपकी डेटा जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो बेसिकली आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका जो मीन होगा वो टेंस टू जीरो होगा, बिल्कुल जीरो के पास होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो वन के पास होगा, वन और माइनस वन के पास होगा. ठीक है अगर आप अभी भी कैलकुलेट कर लो मीन आपको निकालने आता है तो आप अगर अभी भी कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो मीन वैल्यू इसकी जो मीन होगा वो जीरो के पास होगा या जीरो ही हो सकता है. ठीक है दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके तो ये फर्क होता है रैंडम और रैंडम में. ठीक है सो ये बहुत ही बिल्कुल आसपास से सटे हुए टॉपिक है जिनको आपको याद रखना है. ए रेंज देन लाइन स्पेस देन रैंड देन रैंड एन. ओके एंड ये सारे चीजें तो ठीक है, ये सारी चीजें तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं. ठीक है एनपी डॉट आई एनपी डॉट एनपीटी एंड बट यस ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मान लो एक अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रीशेप. ठीक है रीशेप करने का ऑप्शन आता है. सो एनपी डॉट रैंडम डॉट मैं फिर से एक रैंडम जनरेट कर रहा हूँ रैंडम डॉट रैंड और मैं सपोज 3x4 की यार अब मैं चेंज कर लेता हूँ 4x5 कर लेता हूँ 4x5 की मैट्रिक्स जनरेट कर रहा हूँ. ओके सो दिस इज माई एम 4x5 ओके इट्स ओके. अब मैं क्या कर रहा हूँ अब देखो अब होता क्या है कि आपकी जब आप बेसिकली जब मशीन लर्निंग के अंदर प्रोग्रामिंग करते हो सो वहाँ पे कई बार होता है कि आप के पास डेटा सेट के अंदर केवल जो आपकी शेप हुई रहती है वो उसमें केवल कभी कभी रोस आ पाते हैं. ठीक है मीन्स कॉलम नहीं होती है तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि उस जब आप उसकी शेप देखने जाओगे. ठीक है जैसे अभी तक आप ऊपर शेप देख रहे थे तो 3x4 4x5 आपको सारी तरह की आप शेप देख सकते थे. ठीक है अगर आप अभी इसमें भी देखोगे एनपी एम डॉट शेप तो आप देख सकते हो. ठीक है बट वहां पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे क्या होता है कि आपकी कई बार शेप मिसिंग होती है. शेप मिसिंग होने का मतलब ये होता है कि जैसे आपके रोज तो आपको दिए हुए हैं प्रॉपरली, आपके रोज की शेप दी हुई है बट कॉमा लगा के आपके जो कॉलम की शेप देनी चाहिए वो शेप नहीं दी हुई है. ठीक है सो आपको बेसिकली रीशेप करना होता है. तो रीशेप करने के लिए आपके पास आपको जब आपके एरर भी आएगा ना तो आपको नीचे ऑप्शन दिया रहेगा कि रीशेप विद -1 और 1 और 1 और 0. ओके सो आप बेसिकली माइनस और वन से ही नहीं किसी से भी रीशेप कर सकते हो. तो सपोज आपके पास इस तरीके की मैट्रिक्स है. ठीक है अगर आपको उसकी साइज पता है उसको शेप पता है तो आप यहाँ पे जैसे आप रीशेप कर सकते हो उस तरीके से वहां पे भी रीशेप कर सकते हो. सो अब देखो इसको अगर रीशेप करना हो मुझे तो आपको पता है यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक साइज देनी पड़ेगी. सो 4x5 का मतलब क्या है, इसकी साइज क्या है 20 है. ओके 4x5 का मतलब 20 है ना इसकी साइज. ठीक है सो अगर आपको इसको रीशेप करना है ठीक है तो आप इसको किस किस तरीके से रीशेप करते हो. आप 10x2 कर सकते हो इट्स अगेन 20 आएगा. ठीक है और कोई आपके दिमाग में चल रहा हो
आप वही बता सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने माइनस की बात की, सो आप माइनस में कोई भी वैल्यू लोगे तो वो रीशेप हो जाएगी, ठीक है। सो आप 10 क्रॉस माइनस 1 करोगे तो भी ये रीशेप हो जाएगा, ठीक है। बट आप अगर इसकी वैल्यू चेंज कर सकते, क्या 15 और 5 भी कर सकते हैं ना? नहीं 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 15 क्रॉस 5 15 5 या 75 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लीनियर अलजेब्रा भी आप पढ़ोगे वहां पे आपके कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको रीशेप करना है तो इसकी साइज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर आप इस तरीके की रीशेप करोगे m डॉट रीशेप और यहां पे आप सपोज 6 क्रॉस 5 कर लेते हो, ठीक है, आपको मैं 6 क्रॉस 5 करके दिखा दे रहा हूं, तो देखो यहां पे नहीं हो पाएगा। आपके पास देखो यहां पे लिख रहा है साइज 20 है, उसको हम 6 क्रॉस 5 नहीं, 6 क्रॉस 5 मतलब 30 वैल्यूज हो गए। आप जो 15 बोल रहे थे वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देखो यस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें बैठ भी नहीं रहे हैं तो हम वैसे भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। सो ये और एक माइनस वैल्यू, ठीक है, माइनस वैल्यू से आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, ये रीशेप का कॉन्सेप्ट है। तो रीशेप इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, रीशेप को समझना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये चीजें हैं आपकी इसके अंदर। अब देखो आपकी ये जो सारी वैल्यूज आ रही थी, अगेन आई थिंक ये रैंडम रैंड एन रैंड और रैंड के अंदर इसमें जो आपकी वैल्यूज आ रही है वो बेसिकली आपकी फ्लोटिंग नंबर्स आ रही है, ठीक है, आपकी हमेशा फ्लोट नंबर्स आ रही है। सो सपोज अगर आपको इंटीजर में वैल्यूज चाहिए, अगर आपको ये वैल्यूज जो है इसके अंदर की वैल्यूज हैं वो सॉरी आपको इंटीजर्स में चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, एनपी डॉट रैंडम रैंडम डॉट रैंड इंट रैंड इंट। ओके, सो ये चीज आप कर लोगे। तो यहाँ पे अगर आप 3 क्रॉस 4 करते हो, ओके, आई थिंक इस तरीके से नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और भी चीजें देनी पड़ती हैं। ओके, सो 3 में ओके, ये देखो यहाँ पे ये लो हाई साइज यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो पहले मुझे लो हाई मीन्स 3 आपने लो दे दिया, देन हाई के ये डिफाइन करना होता है साइज, तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करने की जरूरत है तभी मैं आपको वो मैट्रिक्स दिखा पाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सो लो हाई 3 क्रॉस 4 मैं सपोज मान लो चाह रहा हूँ 3 क्रॉस 4 हो जाए, और यहाँ पे मुझे साइज देनी पड़ेगी। सो आई थिंक साइज जो होगी वो मुझे डबल डिजिट में देनी पड़ेगी। सो साइज मैं यहाँ पे सपोज 5 to 6 दे देता हूँ। ओके, सो 3 4 5 6 ओके, आई थिंक इट इज गुड। अब यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये सारी वैल्यू 3 के फॉर्म में आ जा रही है। अब देखो अब सही आ रहा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, 5 x 6 की मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है, 5 x 6 की मैट्रिक्स बन रही है। इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो सारी 3 से लेके 7 के बीच में है, ठीक है। ये आपका एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट है। ओके, अब देखो आप इसके अंदर स्लाइसिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर स्लाइसिंग करनी है तो आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप स्लाइसिंग तो बेसिकली मेरे ख्याल से आप अब बता सकते हो क्योंकि स्लाइसिंग आई थिंक हमने पढ़ ली, अच्छी खासी स्लाइसिंग देखी है, ठीक है। सो सपोज मुझे अब देखो स्लाइसिंग के अंदर आपको मैं चलो एक चीज मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अब ये चीज आपको पता चल गई कि अगर आपको केवल ये इतना एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, 0 0 0 दोनों को कर दोगे, ठीक है। बट अगर आपको स्लाइसिंग करनी है, अगर सपोज आपको कोई कोई वैल्यूज उठानी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सो सपोज मैं कुछ करके देखता हूँ, 0:2 मीन्स अगर ये आपका जो 0:2 यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो बेसिकली केवल रो के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कॉलम के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, कॉलम के लिए फिर मुझे कॉमा देना पड़ेगा तब होगा। तो 0:2 का मतलब हो गया कि सारे रोस आ गए, सारे रोस आ गए 0 से 2 के। सो 0 और 1 वाली सारी रोस आ गए, 4 3 6 5 6 6 एंड ये वाली सारी तो आ गए। अब मुझे अगर स्लाइसिंग करनी है और मुझे केवल कॉलम में कुछ चाहिए, ठीक है, मुझे केवल इतना सा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब कॉमा लगा के जो आप करोगे वो कॉलम की स्लाइसिंग होगी, ठीक है। ये अभी तक आप जो कर रहे थे ये दिस इज रो स्लाइसिंग, ठीक है, आप अभी यहाँ इसके अंदर केवल रोस आ रही है, ठीक है, रोस की स्लाइसिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कॉलम की स्लाइसिंग करनी है। सो कॉलम स्लाइसिंग करनी है और आपको ये चीज देना है, तो सिंपली वही चीज है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने चले जाओ 0 1 2 3 4। तो अगर आपको यहाँ तक केवल 3 तक चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है, क्यों, आपका अपर बाउंड वैसे भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो 4 3 6 6
ठीक है, अब आपसे अगर मैं बोलूँ 6546 कर दो तो आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब एक और चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन ओके, मेरे पास 4 ज्यादा है, 5 भी है, आई थिंक 6 है मेरे पास, लेकिन 6 बहुत कम है, ओके, सो मैं ए ग्रेटर देन 4 कर देता हूँ। देखो अब इसमें क्या होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी कि इसके अंदर हो क्या रहा है, समझ रहे हो इसके अंदर क्या हो रहा है। अनुमय इसके अंदर क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो अभी यहाँ पे? हाँ हेलो 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 सर, आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है। हेलो अभी आ रही है वॉइस आपको क्लियर? हेलो अभी आपको वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन भी नहीं दिख रही है सर आपकी। हेलो यार ऐसा कैसे हो सकता है, ओके हेलो, आप आपको वॉइस क्लियर आ रही है अभी? हेलो एक सेकेंड, हेलो 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 सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही और वॉइस भी नहीं आ रही है अभी। अभी आ रही है वॉइस आपको? हेलो अभी देखिए सर, अभी आ रही है सर? ओके सर आ रही है आवाज आपकी, स्क्रीन भी शो। ओके स्लाइसिंग देख ली थी, देख लिया था आपने स्लाइसिंग कैसे हो रहा था? नो सर। ओके रैंडम डॉट रैंड इंट तो हो गया था? यस सर यस, 97 से लाइन 97 से आप समझा देते। ओके सो देखो 97 के अंदर कुछ नहीं हुआ, 97 के अंदर मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सो स्लाइसिंग आपने देखी हुई है, ठीक है। स्लाइसिंग कैसे होती है, इसके अंदर जब मुझे स्लाइसिंग करनी है तो आपको बेसिकली क्या होता है, आपको जब मैट्रिक्स के अंदर से कोई चीज निकालनी है, कोई चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आपको एक साइड रो देना पड़ेगा, एक साइड कॉलम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे केवल इतनी सी अगर एलिमेंट चाहिए, इतने एलिमेंट चाहिए, 4366 एलिमेंट चाहिए, सो आपके रोज, आपके रोज में क्या क्या चाहिए 4366 के लिए? आपको ये पूरा रो चाहिए, ये दोनों रो चाहिए, 0 और 1 वाले, ठीक है। सो 0 और 1 अगर मुझे रो चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, 0:2, ठीक है, 0 से 0:2, तो ये 2 अपर बाउंड है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा और 0 और 1 के सारे आपको रो देगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, ठीक है, तो आपको ये देखो ये रोज आपको पूरी मिल गई। अब आपको केवल यहाँ तक के एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब कॉलम की स्लाइसिंग करनी है। सो कॉलम के अंदर आपको क्या चाहिए, फिर से आपको केवल 0:2 आना है, ठीक है, क्योंकि आपको 0 और 1 चाहिए, तो अगेन आप 0:2 लिख दोगे, ठीक है, ये आपके कॉलम की स्लाइसिंग हो गई। तो अगर आप इसको कंबाइन करके इस तरह से कॉमा लगा के लिख देते हो तो ये इस साइड आपकी रो होती है, इस साइड आपकी कॉलम होती है, ठीक है, तो आप इतना एलिमेंट एक्सेप्ट कर लोगे। अब आप बी से अगर आपको कहीं भी कोई बोलता है कि इतने एलिमेंट उठा के बता दो तो आप सकते हो, ठीक है। Yes, sir. अगर आपसे मैं बोलता हूँ कि 4-6-4-4-4-6 ये यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लो, तो अगर आप इंडेक्सिंग यहाँ पे सही करते हो तो आप आराम से बता लोगे, ठीक है। आपको पहले रो को देखना है, रो को देखना है तो आपके पास ये 3 रो है, सो 1:4 यस, और यहाँ पे आपको 0:1 2:4 ओके, सो 2:4 में आपकी ये इतनी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन 4 लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे एक बार फिर से वैल्यूज को देखो, वैल्यूज ये है और ए ग्रेटर देन 4 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बुलियन वैल्यूज आ रही है, false true, सो ये आप बता सकते हो कि ये क्या हो रहा है? आई थिंक ये अब आप समझ गए होगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, false true जो है ये किसको फॉल्स बोल रहा है और किसको ट्रू बोल रहा है। सर जो ए की वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है, मींस 6 सपोज वो ग्रेटर है तो ट्रू हो रहा है, यस ठीक राइट, अदरवाइज वो फॉल्स हो रहा है। अगर मुझे ये वैल्यूज जो ट्रू है, बेसिकली मुझे केवल वो वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप ए के अंदर इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है, एक आप
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब आपके पास जो जो वैल्यूज भी 4 से ग्रेटर है वो आपको वैल्यूज पता चल जाएंगी, ठीक है। तो सिंपली यार इतना तो हमें पता है, 6555 जो जो वैल्यू जो भी 65 जहाँ जहाँ होगी, और मेरे ख्याल से इसमें केवल 6 तक ही वैल्यू है, तो 6 और 5 और 6 ही मेरी ए से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हो नंपाई के अंदर, ठीक है। अब कुछ और चीजें देखते हैं, आई थिंक हम देख सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, ओके। सो देखते हैं, ओके। सो एक मैं क्रिएट करता हूँ। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। और यहाँ पे अगर आई थिंक अगर आपको लीनियर अलजेब्रा आपको याद है तो आप ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मुझे कम समझाना पड़ेगा, ओके। सो लीनियर अलजेब्रा आपको याद है जो 9th या 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, ओके। सो इस तरीके की मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूँ, ओके, एंड दिस इज माय एन। और मैं एक और क्रिएट करता हूँ एरे, और यहाँ पे एम नाम की एक एरे क्रिएट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, 7, 14 and 15, और यहाँ पे मैं 16, 19 and 20, ओके। अब अगर आप एम प्लस एन करते हो, so you can simply do it, okay. अब आप देखो इसमें किस तरीके से addition किस तरीके से हो रहा है, 67 plus 1, okay. So this is index wise operation, okay. यहाँ पे देखो index wise ये जो addition हो रहा है वो index wise हो रहा है, okay. देखो आपके आप देखो यहाँ पे इस तरीके से index wise हो रहा है। Again आपको अगर addition करना है तो addition index wise होगी, उसमें कोई problem नहीं है, उसमें हमें कोई problem नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे subtraction भी करते हो, m minus n करते हो, so वो भी इसी तरीके से होगा, यहाँ पे भी हमें कोई problem नहीं, ठीक है। ये चीजें ठीक, ये चीजें ओके हैं। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर आप इसकी साइज जो आपकी बेसिकली जो साइज है, अगर आप उसमें चेंज करते हो और किसी एक में चेंज करते हो, दूसरे में नहीं चेंज करते हो, तो वहां पे वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। सपोज यहाँ पे अगर मैं 45 कर देता हूँ, तो इसकी साइज बेसिकली अगर आप एन को देखने जाओगे तो ये आपकी 3x4 भी नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि आपने साइज चेंज नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास देखो अब इसी तरह की चीज होती है 2x3 और यहाँ पे 2x कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली एक रीशेप ऑपरेशन यूज करके भी इसको रीशेप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह की मैं चीजें बात कर रहा था, और ये चीजें हम देखेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, जब आप प्रोग्राम करने जाओगे तो वहाँ पे पहले 2-3 एल्गोरिदम्स में इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, जब आपके पास डेटा सेट छोटा होगा, ठीक है, वहाँ पे वो खुद से रीशेप नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो हमें वहाँ पे रीशेप करना होगा, ओके। सो ये चीजें हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एम प्लस एन माइनस एन कर सकते हैं, एडिशन सबट्रैक्शन कर सकते हैं, और आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, ओके। बट अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे जो आपकी m वैल्यू थी और जो आपकी n वैल्यू थी, ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगेन आपकी m और n वैल्यू को ले लेता हूँ। सो दिस इज योर m एंड दिस इज योर n, ओके। सो आई थिंक इट्स ओके। अब इसको देखो, सो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है, अब ये जो कैलकुलेशन हो रहा है दैट इज नॉट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ये इंडेक्स वाइज मल्टीप्लीकेशन है, ये 67x7 कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे छोटा नंबर देख के अगर ओके, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 14x5 56 होता है, ठीक है। सो 15x5 75, ओके। सो ये इंडेक्स वाइज मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये आपको पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? ओके, सो सपोज आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, ये इस तरह की, बहुत छोटा मैट्रिक्स ले रहा हूँ ताकि हम देख सके कि हाँ जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सो इस तरह की कि आपके पास मैट्रिक्स है, ओके, सो ये नंबर्स आपके पास जो फाइनल नंबर हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद उसे हमें याद रखते हैं केवल, सो ये दिस इज 2x2 एंड दिस इज 2x2, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होने के लिए आपकी ये दो वैल्यू सेम होनी चाहिए, ओके, और जो ये दो वैल्यू सेम होती है ये दो वैल्यू चली जाती है, जो आपकी फाइनल एरे क्रिएट होती है, मैट्रिक्स क्रिएट होती है, वो 2x2 की क्रिएट होती है, ओके। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3x4 यहाँ पे 2x3 होगा, सो नहीं तो वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपकी ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए बस, ओके, और ये वाली चीज आपकी बेसिक कैलकुलेशन चल जाती है। अब अगर मुझे मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा, सो m1 x m2, अब अगर मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, इंडेक्स वाइज नहीं जाना है, तो आपको पता है इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, सो 0 x 2 0, then 1 x 1 1, I think 1 आएगा। अब अगर आप इसको
कैलकुलेट कर लो फटाफट, तो 018 आएगा यहाँ पे आई थिंक, बहुत छोटा छोटा है, 2 × 2 = 4, 4 + 3 आई थिंक 7, यस 2 × 3 आई थिंक 6, 6 and 8, 30, यस सही है, ठीक है। सो मतलब अगर मैं इस तरह की मैट्रिक्स लेता हूँ तो मेरा जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो 18730 आएगा। सो ओके, मेरे को 2010 1023 and 2318 लेना है। ओके सो मैं लेता हूँ, ओके ठीक है, 0123 and 2318, ओके सो जस्ट, सो अब आप क्या कर लो, M1 के अंदर आपको क्या लिखना है, 0 then again I think it's 02, मैं तो देख सकता हूँ बार बार, ठीक है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, so it's 0123, जीरो आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। ओके सो आप इस तरीके से क्रिएट करोगे, जिस तरीके से आपने अभी तक M ऊपर क्रिएट किया हुआ है, सो आप इस तरीके से बेसिकली M अपने अपना M1 क्रिएट करने जाओगे, ठीक है। सो अगर आप M1 क्रिएट करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाओ बेसिकली, ये वाली चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके सो दिस इज माय M1, अरे M1, यहाँ पे मैं M1 कर लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि मैं वेरीफाई कर सकूँ जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही आ रहा है कि नहीं। सो 0123, ओके सो यहाँ पे आपको बनाना है 0 and 1, मैं आपको आपको करना है 2 and 3, सो 2 and 3, ओके सो सेम M2 मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, और M2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या थी, हमने ली थी जो वो बेसिकली थी आपके पास 2318, सो 2 then 3 then 1 sorry 1 and then 8, ओके सो ये मेरा M1 और M2 क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ सो आई कैन सी दिस, सो M1 M2, ओके नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, अब अगर मैं M1 क्रॉस M2 कर रहा हूँ, मीन्स M1 और स्टार साइन के साथ मैं M2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह की कैलकुलेशन आ रही है, मैं 0 × 0 और ये इंडेक्स वाइज कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना था। अब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, एट दी रेट साइन देना पड़ता है। अब आप देख लो 18730, ठीक है, यही हमारी फाइनल वैल्यू आई थी जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था। तो आपको जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो आप एट दी रेट साइन दोगे, ओके आई थिंक ये बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली अगर चाहो तो इसके साथ एक्सपोनेंट ऑपरेशन भी कर सकते हो, सो ठीक है अगर आप इसका एक्सपोनेंट करते हो तो ये देखो आपके M1 में 0, 1 देन 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और आप एक और तरीके से कर सकते हो, आप पावर में वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। सो आपको M1 की जो भी पावर चाहिए, ठीक है, सपोज आप 3 के पावर में आपकी आप इसकी वैल्यू चाहते हो, 2 के पावर में चाहते हो, तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 3 के पावर में मैंने दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। सो 2 to the power 3 = 8 and 3 to the power 3 = 27, ओके सो ये बेसिकली सेम काम करता है, POW एंड आपका जो M×2 या X×3 आप यहाँ पे जो भी लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो, ये दोनों चीजें सेम काम करती हैं। और अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको एट दी रेट का साइन देना है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ योर M×2 की जगह आपको एट दी रेट का साइन देना है, ओके अगेन हमने एरे ब्रॉडकास्टिंग पढ़ लिया, ठीक है, आप एलिमेंट वाइज से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ओके सो एक चीज देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, एक एरे मैं N1 नाम का क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ np.array और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज डालता हूँ 3, 6, 8 and 9, ओके ये मैं कुछ वैल्यूज डालता हूँ np.array के अंदर, और N1 को मैं देख लेता हूँ, ओके सो 3, 6, 8, 9, ओके नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओके मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट करता हूँ, ओके सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बेसिकली M3 कर लेता हूँ, और यहाँ पे np.0 करके
यहाँ पे कुछ क्लियर कर देता हूँ. जीरोस, ओके सो जीरोस के अंदर मुझे क्या क्या देना है. आई थिंक इसमें यहाँ पे देख सकता हूँ जीरोस के अंदर मुझे क्या क्या देना है. ओके शेप देना है केवल. सो शेप मैं दे देता हूँ यहाँ पे. ओके सो 2x3 का शेप दे देता हूँ यहाँ पे. ओके यहाँ पे मुझे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डालना होगा. आई थिंक इट्स फाइन, अभी वर्क करेगा. ओके सो एम एन वन हो गया एंड एम थ्री हो गई मेरी. ठीक है सो एम थ्री के अंदर 2x3 आ गई, 2x3 वैल्यूज आ गई एंड यहाँ पे आपके पास एन वन है. ठीक है सो अगर मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ एम थ्री प्लस और एन वन, एम थ्री प्लस एन वन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा. ओके यहाँ पे मेरे पास 4 वैल्यूज हैं और यहाँ पे मेरे पास 3 ही वैल्यूज हैं तो मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. ओके सो मैं यहाँ पे 2x4 कर लेता हूँ. आई थिंक अभी ये वर्क करेगा. ओके सो देखो चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो बेसिकली आपका यहाँ पे रो वाइज कैलकुलेशन कर रहा था. ठीक है रो वाइज कैलकुलेशन का मतलब कि आपके पास जो भी एन वैल्यूज हैं वो रो वाइज कैलकुलेट हो रही है. वो जीरो के पास कैसे जा रही है, आपकी रो वाइज जा रही है. ठीक है सो 3689 देन 3689. ओके सो 0+3, 0+6, 0+8, 0+9 इस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है. ओके सो दिस इज अ रो वाइज कैलकुलेशन. यू कैन से कि यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन हो रहा है वो बेसिकली रो वाइज कैलकुलेशन हो रहा है. ओके इसीलिए जब मैंने यहाँ पे चेंज किया है यहाँ पे मैंने 2, 3 लिखा हुआ है तो वो बेसिकली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पे कॉलम वाइज कैलकुलेशन नहीं हो रहा है. ओके अगर यहाँ पे मैं 2x2 भी करूंगा तो वो नहीं कैलकुलेट कर पाएगा. बेसिकली अगर यहाँ पे आपकी कॉलम वाइज कैलकुलेशन होती तो यहाँ पे अगर आप 2x2 करते तो भी उसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए था. ठीक है सो ये आपका रो वाइज कैलकुलेशन है. ठीक है अब अगर आपको कॉलम वाइज कोई कैलकुलेशन करना है तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें बेसिकली आपको क्या करना होगा, उस जगह पे आपको इसके अंदर चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है तो आपकी सपोज ये आपकी 2 की है सो अगर मैं ये np.0 ओके सो 2x4 ओके सो आई थिंक m3 मुझे दिख रही है 2x4 की. ओके सो 2 rows and 4 columns एंड ये अगर मुझे रो वाइज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली जो आपका n2 है इसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये कॉलम वाइज कैलकुलेशन हो जाएगी. बट यहाँ पे आपके पास केवल 2 ही rows हैं, आपको और भी रोज की जरूरत है. ठीक है सो ओके मैं यहाँ पे एक बार ट्रांसपोज अगर आपको मैं करके दिखाऊं तो बेसिकली वो चीज हो जाएगी. बट यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है. ठीक है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर ट्रांसपोज भी होता है इसका सो अगर मैं n1 को देखूँ तो यस ये यहाँ पे अभी ट्रांसपोज एक बार अभी नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बार और लगाना पड़ेगा. ओके अब आई थिंक यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा. ठीक है सो देखो ये 3689 हो गया. तो अगर मुझे इस तरीके से कैलकुलेशन कराना है तो आपको पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा. जो आपका टी ऑपरेशन होता है, आप जो डॉट टी करते हो तो वो बेसिकली ट्रांसपोज के लिए होता है. ठीक है तो अब अगर आप ट्रांसपोज करके लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे फिर भी अभी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास बेसिकली 2 ही rows है. ठीक है तो आपको आप यहाँ पे रोज बढ़ा सकते हो. ठीक है यहाँ पे अभी भी ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको यहाँ पे अगर आप इसकी रोज बढ़ा दोगे तो वो कॉलम वाइज आपका एडिशन हो जाएगा. ठीक है तो आप एक तो इसकी रोज भी बढ़ा सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे इसके जो वैल्यूज है 3-6 की जगह आप 3689 की जगह केवल 3-6 लेके चल सकते हो. ठीक है फिर भी वो कर लेगा. ठीक है तो अगर आप इसकी बढ़ा देते हो तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन हो जाएगा. अब ये जो एडिशन हो रहा है दैट इज कॉलम वाइज एडिशन. ठीक है तो यहाँ पे आप कॉलम वाइज एडिशन कर रहे हो और इसके पहले जो आप कर रहे थे वो बेसिकली आप रो वाइज एडिशन कर रहे थे और ये दोनों चीजें थी ये आती हैं आपकी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर. ठीक है एरे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती हैं ये दोनों ही चीजें. ठीक है आप चाहे रो वाइज आप एडिशन करो चाहे कॉलम वाइज एडिशन करो ये दोनों चीजें आपकी आएंगी बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग के अंदर. ठीक है देन देयर इज समथिंग अगर मैं यहाँ पे कुछ आपके पास जो भी रैंडम आपके पास जो चीजें थी अगर मैं उसको देखूं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड SQRT. आप किसी भी जो आपकी एरे है उसका स्क्वायर कर सकते हो. तो आपके पास कोई बड़ी एरे हो अगर ठीक है तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ नेम अगर मेरे पास होती तो मैं R नाम से एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ. सो np.random मैं रैंडम एरे क्रिएट कर सकता हूँ random.rand और इसके अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, इसके अंदर बेसिकली आपको देना पड़ेगा ओके आपको शेप देनी है केवल. सो 3x4 की मैं अगर रैंडम क्रिएट कर लेता हूँ सो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए. आर अगर मैं देखूँ यस सही है. ठीक है सो अब आप क्या कर सकते हो np.sqrt स्क्वायर ऑफ आर. ठीक है सो ये बेसिकली हर एक नंबर का स्क्वायर कर देगा. ठीक है अगर आप इंटीजर में कोई नंबर करके देखते हो random.rand int करके देखते हो और वहां पे आप स्क्वायरिंग करते हो तो वहां पे आपको स्क्वायरिंग और अच्छे समझ में आ जाएगी कि ये हर एक नंबर का स्क्वायर कर रहा है.
तो बेसिकली ये फंक्शन होते हैं, एक कि आप स्क्वायर कर सकते हो किसी नंबर का, आप चाहो तो हर एक नंबर का एक्सपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। सो np.exp फॉर योर एक्सपोनेंट ऑपरेशन, तो ये बेसिकली हर एक नंबर का एक्सपोनेंट निकाल के बता दे रहा है आपको, ठीक है। देन देयर इज वन लास्ट थिंग आई थिंक इन दिस लेक्चर, आपको क्या होगा अगर आप मान लो आर वन करते हो, ओके सो अगर आप आर वन करते हो और यहाँ पे आप सपोज कोई एक रैंडम नंबर और जनरेट कर लेते हो, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम और जनरेट कर रहा हूँ, मैं इसी साइज में एक और रैंडम नंबर जनरेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर, इसी साइज में एक और रैंडम नंबर जनरेट कर ले रहा हूँ, ओके ये दो बार एंट्री है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक और ऑपरेशन कर सकते हो, दैट इज np.fmode, ओके। और यहाँ पे fmode का मतलब होता है कि आपकी जो बेसिकली रिमाइंडर है, ठीक है, आपका जो रिमाइंडर है वो आप बता दो, ठीक है। सो r और r1 अगर आप डालते हो तो ये बेसिकली रिमाइंडर बता रहा है, ठीक है, ये आपको r और r1 के रिमाइंडर बता रहा है, ठीक है। मतलब आपको ये बेसिकली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जैसे आप 2/3 करते हो या 14/3 अगर आप करोगे, सो वहाँ पे आपका रिमाइंडर आई थिंक 2 आएगा, तो वो जो रिमाइंडर वैल्यू है वो आप इस तरह ऐड कर सकते हो, दैट इज विद np.fmode, ठीक है। सो ऐसे और भी ऑपरेशन है, बट आई थिंक दिस इज इनफ, ये बेसिकली बहुत ज्यादा ऑपरेशन मैंने आपको बताया, ये कॉमन इसमें सारे कॉमन भी नहीं है, ठीक है, जैसे आपने एस इन ही पढ़ा, ठीक है। फिर अगर आपको कभी आता है, अगर आपके दिमाग में आ जाता है, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है, या फिर आप उसका डॉक्यूमेंटेशन देख के भी, स्विफ्ट दवा के डॉक्यूमेंटेशन देख के भी आपको वहां पे वो चीज याद आ सकती है, ठीक है। तो जो आपने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी वो सारी आपकी थी रैंडम, रैंडम, देन एम एट दी रेट एम टू, मीन्स आप जो मैट्रिक्स, अगर मुझे इंडेक्स वाइज कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप क्या करोगे, एम एट दी रेट टू, देन रैंडम के आपके सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, रैंड इंट, रैंड एंड, रैंड एंड, देन द डिफरेंस बिटवीन रैंड एंड रैंड एंड, देन आपने रीशेप पढ़ा, रीशेप इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देन इसके ऊपर जो हम पढ़े थे दैट इज आई थिंक यस आई वन साइज, ब्रॉडकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, जो एलिमेंट आपने एलिमेंट वाइज आपने चाहे एडिशन किया हो, चाहे आपने कॉलम वाइज, चाहे आपने इंडेक्स वाइज, चाहे आपने रो वाइज किया हो, ये सारी चीजें ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है, दैट कॉल्ड एरे ब्रॉडकास्टिंग। सो अगेन ब्रॉडकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन लाइन स्पेस, ए रेंज, ओके। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट, अगर आपको कोई और भी फंक्शन मिलते हैं तो आप करो, एंड अगेन आपके पास जो आपके बेसिकली साइट के अंदर, आप साइट के अंदर आप एक बुक देखोगे, ठीक है, सो दैट बुक, वो बुक बेसिकली बहुत अच्छी है, ठीक है। उस बुक के अंदर आई थिंक आप देखने अगर जाओगे तो उस बुक के अंदर ज्यादातर चीजें आपकी, मतलब थ्योरी से ज्यादा चीजें आपकी प्रैक्टिकल है, जहां तक मैंने उस बुक को देखा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, उस बुक के अंदर प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हैं, ठीक है, जो आपको बुक मैंने शेयर की, हाउ टू थिंक लाइक कंप्यूटर साइंटिस्ट, सो इट्स अ वेरी गुड बुक। और अगर आप इसके अंदर देखते हो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, और आई थिंक NumPy के बारे में यहाँ पे मैंने इसमें पढ़ा था, जब मैंने NumPy के बेसिकली पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी, बट बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं था। तो बेसिकली कई जगह होती हैं, कई बुक्स में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट मटेरियल्स बहुत जगह होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बट यहाँ पे इस बुक में बहुत ज्यादा नहीं थे, ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत खुद से क्रिएट करना पड़ा, बट अगेन ये बुक आई थिंक और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी लेसन्स हैं, तो वहाँ पे ये बुक्स काफी अच्छी है, ठीक है। सो आई थिंक एक चीज इस बुक के अंदर बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के बारे में फिर से पढ़ सकते हो और एक बार फिर से समझ सकते हो। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी थी आई थिंक मास्किंग, ये जो आप 6.3 देख रहे हो, मास्किंग आई थिंक यस इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। स्लाइसिंग आपने पढ़ ली, शेप आपने देख लिया, और एक चीज यहाँ पे इसने एक डिफरेंस बता रखा था आई थिंक लिस्ट एंड आपकी एरे के बीच में, सो यस अगेन यहाँ पे ये कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज आप जान गए हो, ठीक है, ये चीज वही है जैसे आप, मैंने आपको बोला कि लिस्ट के अंदर या फिर आप रेंज के अंदर, रैंडम रेंज के अंदर आप कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं ले सकते, तो इसी तरह लिस्ट के अंदर आप बेसिकली किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से, मीन्स आप अगर 2.1 से, अरे यार हेलो अभी बताना, आवाज आ रही है, हेलो
हेलो। ओके बस खत्म होने वाला है। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बता दो, मैं फटाफट से क्लियर कर दूं। हेलो, यस सर, आप हाँ करिए क्लियर, अब ठीक है। सो आपने पूरी नोटबुक तो देख ली थी, नोटबुक तो आई थिंक वहां तक कोई कनेक्शन नहीं लॉस हुआ था आपका नोटबुक, जहां पे हमने एफ मोड निकाला। रही है। यस सर, राइट, वहां आप देखा था। ठीक है 155 तक पूरी हो गई थी। ठीक है यस सर, ओके। सो उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मैंने आप बेसिकली मैं आपको बुक के बारे में बता रहा था। बुक ये काफी अच्छी है, ठीक है, आप इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी कर सकते हो। ठीक है, अगेन अगर हम इसके नंपाई के अंदर जाएं तो यहाँ पे कुछ खास चीज नहीं बता रखी है इसने, वही चीज बता रखी है कि अगर आप लिस्ट के अंदर हो और आप लिस्ट के अंदर सपोज आप किसी फ्लोटिंग नंबर से अगर आप कोई कैलकुलेशन करो, सपोज आप यहाँ पे जैसे आपकी लिस्ट है 2.1 x A अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से कोई कैलकुलेशन नहीं करता है, ठीक है, बट नंपाई के अंदर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, अब ये चीज आपके लिए कॉमन है, ठीक है, आपने रेंज आपने देख लिया, आपने ए रेंज देख लिया, तो ये चीजें आप जान रहे हो, ठीक है, कि नंपाई के अंदर अगर मैं डी टाइप ना दूं तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, रैंडम की सारी वैल्यूज बेसिकली फ्लोटिंग में ही स्टोर होती हैं। ठीक है, तो जब वो फ्लोटिंग में ही स्टोर हो रही है तो मैं उनके साथ मैं उनके साथ इस तरह के ऑपरेशन आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस जो यहाँ पे बताया। आप बहुत जगह जाओगे तो आपको अलग अलग डिफरेंसेस बताए जाएंगे, ठीक है, बट अब वो सारे डिफरेंसेस आप खुद से भी आप सजेस्ट कर सकते हो लोगों को। ठीक है, आप रैंडम को उठा सकते हो, आप रेंज फंक्शन को उठा सकते हो, आप वो सारे डिफरेंसेस खुद से ही बता सकते हो, आप डी टाइप का डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। और एक और चीज इसके अंदर अगर आप देखोगे, सो आई थिंक मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं। एक चीज अगेन ब्रॉडकास्टिंग हो गई, डी टाइप हो गई, एंड यहाँ पे देखो इस तरीके से किसने चेंज किया हुआ है, चेंजिंग टाइप। ओके यस, डी टाइप इक्वल टू एंड आप कर सकते हो। ओके आप चाहो एक्सरसाइज करना चाहो आप इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज जो मेरे ख्याल से रह गई वो थी मास्किंग। सो मास्किंग का मतलब कुछ नहीं होता है, मास्किंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर ये जो चीज है मास्किंग, ये आपको मैं ये आप पांडास में समझो कि वहां पे बेसिकली ज्यादा अच्छे से हम डेटा सेट के अंदर देख लेंगे कि मास्किंग क्या होती है। एंड अगेन वहां पे इसको हम बोलते हैं बुलियन मास्किंग। ओके सो मैंने यहाँ पे इसीलिए ये चीज नहीं बताई कि अगर आप फिर भी अगर आप यहाँ पे केवल ये देख के समझ जाते हो तो आप बेसिकली वहां पे आपको समझने में आसानी होगी कि बुलियन मास्किंग में हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ए इक्वल टू एनपी डॉट एरे, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए और कट ऑफ एक कोई नंबर डाल दिया यहाँ पे इक्वल टू 200 एंड ए ग्रेटर देन कट ऑफ। ओके, अब आपको पता है ए ग्रेटर देन कट ऑफ, आई थिंक ये चीज ए ग्रेटर देन 4 करके मैंने आपको दिखाई एक जगह, ठीक है, तो कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा भी यस दिमाग लगाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज भी मैंने पढ़ी है। ठीक है, सो अगेन कट ऑफ यहाँ पे डाल दिया ए ग्रेटर देन कट ऑफ, सो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, एक ये भी ट्रू होगा बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। आपको वैल्यू निकालनी है, ये भी चीज मैंने आपको बताया कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है ओके, अब इसने थोड़ा बहुत और आप अपेंड ऑपरेशन करके देख लिया, ये आप देख लेना, ठीक है, ये कोई बहुत ही हार्ड चीज नहीं है, ये सिंपली वही मास्किंग की है, बस इसने थोड़े बहुत लूप्स लगा लिए है। ठीक है, अगेन इस बुक में नंपाई से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट आज या आई थिंक कल आपके लिए एक ब्लॉग आ जाएगा, और आई थिंक इससे ज्यादा चीजें होंगी भी नहीं यार, 155 हमने करके देखे, इतनी ज्यादा चीजें तो कहीं नहीं बताई जाती। ठीक है, सो आई थिंक इससे ज्यादा चीजें नहीं होंगी, बट फिर भी अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको होती हैं नंपाई के अंदर, सो आप बेसिकली ब्लॉग पढ़ सकते हो। ठीक है, सो वी आर पोस्ट सम ब्लॉग ऑन नंपाई टुडे और आई थिंक टुमारो, सो यू कैन गो थ्रू इट। आई थिंक सारी चीजें आपको दिखेंगी जो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, एक दो चीज हो सकती है कि आपको मिले बाहर से। ओके सो दिस इज इट, दिस इज एनफ फ्रॉम फॉर नंपाई, प्रैक्टिस करो इसको, नंपाई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके जो क्वेश्चन आएंगे, अगेन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, उस क्वेश्चन में आई थिंक एक क्वेश्चन जो रहेगा वो चीज आपको ढूंढनी होगी, एनपी डॉट समथिंग करके आपको वो चीज ढूंढनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप अगर उस चीज को गूगल सर्च करके या कैसे भी करोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको वो चीज बहुत लेंदी वे में बताएगा। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत लेंदी होगा, बट अगर आप एनपी डॉट अगर आप उस चीज को जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा उसके अंदर एक एक
मीन्स खास तरीके की मैट्रिक्स मुझे क्रिएट करनी है, तो उस मैट्रिक्स के बारे में अगर आप कहीं नेट से पढ़ लेते हो, कहीं इंटरनेट से आप गूगल कर लेते हो उस मैट्रिक्स के बारे में कि वो मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है, तो आप एंट्री डॉट के अंदर एक वो फंक्शन बेसिकली वो डेफिनेट वो बिल्कुल वो फंक्शन ढूंढ सकते हो, ठीक है, वो फंक्शन ढूंढते हो जो उस तरह की मैट्रिक्स क्रिएट करता है. ओके, सो अगेन अगर आप उसके मैनुअल सॉल्यूशन पे जाओगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप उसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा अगर आप करने बैठे होगे तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, बट अगर आप उसका फंक्शन ढूंढ लेते हो नंपाई के अंदर सो इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जस्ट 2 or 3 लाइंस आई थिंक. ओके, सो ट्राई टू एक्सप्लोर इट, एक तो आप क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लोर कर लोगे और अगर कुछ भी और भी एक्सप्लोर करते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है. बट ये जितनी चीजें आज आपने पढ़ी ये बेसिकली ये कॉमन चीजें, ये मोस्ट कॉमन है, इससे ज्यादा चीजें यूज में आती है हमें, बेसिकली इससे ज्यादा चीजें नहीं यूज करनी पड़ती हमें, ठीक है, हो सकता है कभी रेयर केस में यूज करना पड़ता है, बट इससे ज्यादा चीजें नहीं यूज करनी पड़ती इन कॉमन, इन एक्सेप्शनल केस को अगर छोड़ दें तो दिस इज इनफ. ओके, सो कोई डाउट आपको इस क्लास से? यस हेलो, हाँ हाँ हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज कट रही है, बोलो बोलो आप बोलो, आवाज आ रही है. हेलो हेलो सर, यस सर डाउट नहीं है एक्चुअली, आई एम सम अर्जेंट वर्क, मुझे जाना पड़ेगा. हेलो, तो क्लास ओवर हो गई है, नो प्रॉब्लम, हो गया क्लास कंप्लीट, यस क्लास ओवर हो गई है. ओके, जस्ट आई स्टॉप शेयर. ओके ओके, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है ना, आप नंपाई आपको समझ में आ गया, ठीक है. सो दिस इज द फंक्शंस में आता है, ये कॉमन फंक्शन है, इसके अलावा कोई फंक्शंस होंगे, सो आई थिंक दैट इज एक्सेप्शनल वन. ओके, सो यस सर, स्क्रीन शो नहीं, ठीक है सर. सर मैंने